आज के इस वेबिनार में और कम से कम सही समय पे शुरू होने वाले इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 21वीं शताब्दी जो अब पैंडेमिक के नाम से, पैंडेमिक नामक घटना से, कोरोना नामक घटना से जो है विशेष रूप से पहचानी जाएगी, और इसके प्रभावों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से मनुष्य और समाज में परिवर्तन आएंगे और आ रहे हैं, और इससे पूर्व जो कुछ हमारा व्यवहार रहा है संपूर्ण मनुष्यता का, और विज्ञान और समाज विज्ञान को लेकर के जिस तरह से हमने पृथ्वी का दोहन करते हुए ऐसी भूमिकाओं को बना लिया कि वायरस जब कोरोना निश्चित रूप से आने के हमने एक पूरी भूमिका उसके लिए बना ली थी, ऐसी स्थितियों में पर्यावरण बहुत हमारे पास आज जाएगी दो ही प्रॉब्लम विकल्प बनी रह हुई जाते है हैं कि हम जो क्या करें, मनुष्यता क्या करें। मनुष्यता के पास एक पक्ष है बौद्धिकता का, जिसके आधार पर वो बुद्धि विज्ञान है के द्वारा कोशिश वो तो कर रहा है बुद्धि है ना कि वो इस कोरोना को और इन तो कोरोना के मैं होने वाले बुद्धिमान प्रभावों हूँ को तो वो ये मैं साफ कह संभाल दिया लेगा, सकता हूँ। एक ठीक है मैं विश्वास आपको दिलाने लेकिन का वो प्रयास करता है अपनी बुद्धि रह के जाएगा द्वारा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे मैं पास समझ एक सांस्कृतिक पक्ष है, हमारे अपने जाता हूँ आचार बोल रहे हैं आप और विचार का बोलो पक्ष है, जिसके आधार पर हमें दोनों लगता है कि ये भी समय है जो निकल जाएगा। प्रकृति का प्रकोप है, और जैसे ही पृथ्वी अपने शांत स्थिति में आएगी ये कोरोना भी निकल जाएगा और मनुष्यता जो है वो फिर से स्थिर हो जाएगी। ऐसी जो उथल पुथल वाली ये जो 21वीं शताब्दी आरंभ हुई है, जिसकी चर्चा मैं आगे चल के करूंगा, उससे पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूं संजीव घारू जी को, जो डायरेक्टर हैं महर्षि वाल्मीकि रिसर्च सेंटर के, कि वो आज के हमारे मुख्य वक्ताओं का स्वागत करें, उनका परिचय भी दें और दो शब्द इस विषय में वो अपने कहें, और उसके बाद फिर हम अपने काम को सर करेंगे। संजीव घारू जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं सभी हमारे वक्ताओं का और जो आज के इस वेबिनार के अध्यक्ष हैं मैं उनका स्वागत कर सकूं। सर्वप्रथम मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस आयोजन के लिए आपने जिन विद्वानों को यहाँ पर आमंत्रित करने में सहयोग किया है वो निसंदेह बहुत तारीफ के काबिल है और मैं आभार प्रकट करूंगा आपका इस विषय में महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद की तरफ से। मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के जो हमारे वक्ता हैं डॉक्टर विशाल भारद्वाज जी जो कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से हैं जो संस्कृत विभाग में कार्यरत हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वेबिनार में। हमारे धन्यवाद जी। दूसरे वक्ता हैं प्रोफेसर डॉक्टर दलबीर सिंह जी जो कि चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत के JNDU यूनिवर्सिटी अमृतसर के। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तीसरे वक्ता हैं मेजर जनरल AK शौरी जी। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आर्मी पर्सनल होने के बावजूद रामायण पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। दो पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं रामायण के संबंध में। बहुत अच्छा बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। बेटा मैं आपका बाद में बात वैचारिक करूं अभी जा मिलता रहता है। मैं स्वागत करता हूं मेजर जनरल AK शौरी जी का। और आज एक विशेष परिचय के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के जो हमारे अध्यक्ष हैं इस वेबिनार के डॉक्टर राम अवतार जी। डॉक्टर राम अवतार जी के बारे में मैं 1 मिनट में उनका संक्षिप्त परिचय में देना चाहूंगा यहाँ पर। डॉक्टर राम अवतार जी वर्तमान में चेयरमैन हैं रामायण सर्किट के। रामायण सर्किट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रकल्प है जो डॉक्टर राम अवतार जी की देखरेख में चल रहा है। आप आयकर विभाग में से सेवानिवृत्त हैं और डॉक्टर राम अवतार जी ने लगभग 41 वर्ष लगाकर अपने जीवन के
41 वर्षों में श्री राम जी के वनवास मार्ग को देखने का संकल्प लिया था बचपन से। बहुत छोटी उम्र में इन्होंने ऐसा संकल्प लिया और इनको लगा कि श्री राम जी कैसे चले थे, कैसे कहाँ रुके थे, सर्दी में, गर्मी में, वर्षा में, या वन्य जीवन से कैसे उनकी थी, और माँ जानकी किस प्रकार से कठोर तपती ठिठुरती जमीन पर कैसे चलती होंगी। तो ऐसे संकल्प के साथ ही इन्होंने 41 वर्षों में जो श्री राम जी का वनगमन था, जो पथ है, जिस जो यात्रा उन्होंने की अपने वनगमन के दौरान, जिस जिस रास्ते से वो गए, उन उन तमाम स्थानों को खोजने का कार्य डॉक्टर राम अवतार जी ने किया है। लेकिन सवाल ये है कि 41 वर्षों में जो कार्य इन्होंने किया, क्योंकि वास्तविकता में कोई दावा नहीं कर सकता कि श्री राम किस पगडंडी से गए थे या नहीं थे, तो तकरीबन उसमें आज वर्तमान स्थिति में बहुत अंतर आ चुका है, क्योंकि उस वक्त की ज्योग्राफिकल कंडीशन और आज की ज्योग्राफिकल कंडीशंस में बहुत अंतर आप समझ सकते हैं सभी। लेकिन फिर भी ऐसे दुर्लभ कार्य को डॉक्टर राम अवतार जी ने किया, और इन्होंने इस पर एक पुस्तक कई संस्करणों में प्रकाशित की है, का नाम है जहां जहां राम चरण चली जाहि, श्री राम यात्रा पथ के नाम से ऐसी एक पुस्तक, जिसमें पूरा विवरण इन्होंने दिया है कि कहाँ कहाँ राम जी थे, कहाँ कहाँ जी राम जी गए थे, और किस किस स्थान पर, और कैसे कैसे उड़ रहे, और आज वो स्थान किस नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर यह है 249, यानी कि 249 प्लेसेस ऐसे हैं जिनका विवरण पूरी जानकारी के साथ, फोटो के साथ इनकी पुस्तक में उपलब्ध है। और ये पूरा का पूरा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस पर आधारित है। जो जो स्थान श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बताए गए हैं, वही स्थान आज भी मौजूद हैं, और वो किस हालात में हैं, वहाँ क्या अभी वर्तमान में क्या दिखता है, स्थानों की क्या स्थिति है, वो सब दिखाया गया है। और इसके अलावा एक फिल्म का प्रदर्शन भी राम भक्तों को लाभान्वित करने के लिए एक टीवी चैनल है, जिसके विषय में डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि जब अपना अध्यक्षीय भाषण दें तो वो अपने बारे में और इस विषय में जानकारी दें। तो ऐसी श्री राम यात्राओं की चित्रमय झांकी हमें इस पुस्तक में देखने को मिलती है। तो मैं सभी वक्ताओं और आज के अध्यक्ष डॉक्टर राम अवतार जी का मैं स्वागत करता हूँ, और इसके अलावा हमारे जितने प्रतिभागी आज इस वेबिनार से जुड़े हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर धन्यवाद सुनील जी। आशुतोष, हाँ जी, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। ये जो इसके साथ साथ मैं प्रोफेसर डॉक्टर लेखराम शर्मा जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। वो रामायण के विशेषज्ञ हैं और एक बड़ा दीर्घ उनके पास अध्ययन और अध्यापन का एक अनुभव रहा है, और ये एक ऐसा सुखद प्रसंग आज जुड़ गया है कि एक तरफ डॉक्टर राम अवतार जी हैं और हमारे साथ प्रोफेसर लेख राम जी भी हैं, और बाकी जो वक्ता हैं उनके विचारों से के संगम से, उनके विचारों के समन्वय से मुझे लगता है कि आज कोई ना कोई नई बात उभर कर आएगी। कार्यक्रम के बारे में मैं आप लोगों को एक आध बात बताना चाहूँगा कि इसमें जो हमारे तीनों स्पीकर्स हैं उनको हमने 15 मिनट दिए हैं, करके ना उनके लिए 15 15 मिनट हैं तीनों वक्ताओं के लिए, और उसके बाद जो अध्यक्षीय भाषण है, अध्यक्षीय भाषण से पूर्व मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर लेखराम जी का भी हमें आशीर्वचन सुनने को मिले, और उसके बाद अध्यक्षीय भाषण के लिए 30 मिनट रहेंगे, और फिर प्रश्नोत्तरों की ओर हम अग्रसर होंगे, और साथ ही हम आप लोगों को जो है इसका लिंक भी दे देंगे। ये मैं पुनः आप लोगों के लिए सुविधा के लिए दोहरा रहा हूँ कि आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो अब मैं सीधे सीधे विषय की ओर आता हूँ जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, और इससे पहले कि मैं प्रथम वक्ता को मंच पर आमंत्रित करूँ, डॉक्टर विशाल भारद्वाज जी को, जो डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत से हैं GNTU नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से। देखिए, 21वीं शताब्दी की चार संस्थाएं हैं, आप ये स्लाइड के ऊपर देखिए कि इस वक्त अगर मुझे परिभाषित करना हो तो चार समस्याओं में मैं परिभाषित करूंगा कि 21वीं शताब्दी क्या है। जहां पर इस वक्त इमोशनल क्राइसिस है, भावनात्मक द्वंद्व जिसे आप कहते हैं,
व्याख्या में नहीं जा रहा क्योंकि मैं समय नहीं लेना चाहता, इसलिए बहुत संक्षेप में आपसे बात कर रहा हूँ। दूसरा बौद्धिक, ये शब्द में गलती रह गई है, बौद्धिक द्वंद्व है, इंटेलेक्चुअल क्राइसिस भी खड़ा है। इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन द सेंस कि कोरोना ने साइंस के और समाज विज्ञान के, सोशल साइंसेस के घुटने टिकवा दिए हैं, दोनों लाचार खड़े हैं कि क्या किया जाए। तीसरा जो परिभाषित करने का तरीका है वो है कार्मिक द्वंद्व, कि जो कहा जा रहा है वो हो नहीं रहा और जितना हम करना चाहते हैं उतनी हमारी क्षमता नहीं बन रही, नीतियां और जो कार्य क्षेत्र है उनमें एक तालमेल नहीं बैठ रहा, चाहे वो व्यक्ति के स्तर पर है चाहे वो समाज के स्तर पर है। ये तीसरा पक्ष है जिससे 21वीं शताब्दी को परिभाषित करता हूँ। चौथा है शाब्दिक अतिचार। शाब्दिक अतिचार का मतलब है कि हमने शब्दों का इतना दुष्प्रयोग कर दिया है कि शब्दों के अर्थ उनके साथ ताल मिलाकर के, तालमेल मिलाकर के चल ही नहीं पा रहे हैं। शब्द कुछ कह रहे होते हैं, अर्थ कुछ हो रहा होता है, फिर हम स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं मैं कहना तो ये चाहता था, वो चाहे नेताओं के शब्द हैं चाहे वो सामान्य व्यक्ति के शब्द हैं। तो इन चार पक्षों को मैं समझता हूँ कि इन चार पक्षों से हम 21वीं शताब्दी को परिभाषित कर रहे हैं। अब इसमें यह है कि आप जीना कैसे चाहते हैं। रामायण के आधार पर तीन चीजें आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और उसके बाद आमंत्रित करूंगा डॉक्टर विशाल जी को, कि वाल्मीकि रामायण के तीन पक्ष हैं, यज्ञ संस्कृति, दूसरा पुरुषार्थ और तीसरा वैदिक ज्ञान। इन तीनों के आधार पर इसको चाहे अगर कहना चाहें तो एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव कह लीजिए कि कृषि आधारित संस्कृति है ये, कि यज्ञ संस्कृति आप इकट्ठा करके लाएं और फिर उसको बांटें, ये आपका सामाजिक दायित्व तो है। फिर आपका पुरुषार्थ है जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों आ जाते हैं, और वैदिक ज्ञान है जो ऋषि ज्ञान है कि निरंतर ज्ञान की जिज्ञासा, ज्ञान के प्रति एक निष्ठा बनी रहना। ये वाल्मीकि रामायण के तीन पक्ष हैं। अब इन तीन पक्षों से हम चार पक्षों वाले इस 21वीं शताब्दी के साथ कैसे तालमेल बिठाएं, कैसे उसको रिजॉल्व करें, ये आपका मुख्य लक्ष्य था। अब हो क्या रहा है कि बीच की आप स्टेटमेंट देखिए कि हम सभी जो कम से कम भारतीय जो हैं, हम सभी जीना तो रामायण के पात्रों की तरह चाहते हैं, लेकिन व्यवहार करते समय हम सभी महाभारत के चरित्र बन जाते हैं। यही हमारा द्वंद्व है। इस द्वंद्व को रिजॉल्व करने के लिए आज का ये वेबिनार है, जिससे कि लोक मंगल, लोक कल्याण, लोक शांति को हम उपलब्ध हो सकें। तो मैं अपने और भी कुछ एक प्रश्न रखूंगा लेकिन प्रत्येक वक्ता के आगे, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर विशाल भारद्वाज जी को कि वो अपना वक्तव्य जो है हम सभी के साथ शेयर करें, साझा करें। डॉक्टर विशाल भारद्वाज, धन्यवाद जी। जी सुन पा रहे हैं जी आप? बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर। ठीक है। अच्छा जी, ये महाकवि कालिदास जी ने आवाज ठीक आ रही है? नहीं सर, डॉक्टर साहब आपने, मुझे लगता है कि दो चीजें कोई ऑन की हुई हैं, आपने शायद मोबाइल भी ऑन किया होगा, तो या तो मोबाइल का स्पीकर ऑन ऑफ कर दीजिए, माइक और स्पीकर दोनों ऑफ कर दीजिए क्योंकि उसकी आवाज डिस्टर्ब करेगी, दो चीजें अगर साथ साथ होंगी तो। मोबाइल का, मोबाइल या कुछ और होगा जो डिस्टर्ब कर रही है आपकी आवाज। अब ठीक आ रही है? थोड़ी गूंज रही है लेकिन ठीक है, पहले से बेहतर है। ठीक है जी। जी तो करें जी। जी जी प्लीज। कालिदास ने कहा है कि चंद्राद अमृतम इति भास्कर, यदि चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? तो ये बात वाल्मीकि की रामायण पर पूर्ण का चरितार्थ है। ये एक ऐसा अमृत का स्रोत है जो हमें ज्ञान रूपी अमृत प्रदान करता है और एक ऐसी जीवन शैली हमें प्रदान करता है जिससे, जिसको आधार बनाकर हमें जीवन में धर्म की प्राप्ति होती है। जैसा कि अभी आपने बताया कि जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है तो धर्म अर्थ काम रूपी पुरुषार्थ है, और जो रामायण है तो धर्म प्राप्ति का प्रथम साधन स्वीकार किया गया है। तो आचार्य विश्वनाथ ने प्रारंभ में कहा है कि भाई हमें राम आदि वर्त के ना रावण आदि वर्त के राम की तरह प्रवर्तन चाहिए, ना कि रावण की तरह, जिससे हमें धर्म की प्राप्ति होती है।
ये एक ऐसा साधन है जो हमें धर्म के ऊपर प्रवृत्त करता है। वो इसमें अनेक ऐसे गुण हैं जो हमें आज की शादी में हमारे लिए लाभदायक है, एक ऐसी जीवन शैली, चाहे वो पारिवारिक संबंध है, चाहे वो राजधर्म है, चाहे स्वामी भक्ति है, चाहे राष्ट्रभक्ति है, ऐसे आदर्शों का प्रतिपादन महर्षि वाल्मीकि ने हमारे कृति के माध्यम से किया है, जो हमारे जीवन को एक सही दिशा निर्देश देती है। यदि हम राजा के कर्तव्य पालन की बात करें तो राजा के लिए सबसे जरूरी बताया गया है प्रजा पालन और प्रजा का संरक्षण। महर्षि वाल्मीकि में रामायण में पिछले विश्वामित्र के यज्ञ में मारीच और सुबाहु नामक जो राक्षस हैं यज्ञ की वेदी पर माँ सरोधिर की रक्षा करके उस यज्ञ को ध्वंस करते हैं। तो उस यज्ञ की रक्षा के लिए महर्षि जो विश्वामित्र हैं राजा दशरथ के पास आते हैं और उनसे मांग करते हैं कि भी आप मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए अपने पुत्र राम को वन में भेजिए मेरे साथ। तो ये सिंह राजा बात को सुनकर बहुत खुशी हुए और यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वो आसन से लुढ़क गए। नरपति अगमन महान महात्मा व्यथित महाप्रचाल और होश में आकर वो कहते कहते भाई विश्वामित्र जी, मेरा ये जो पुत्र है राजीव गोत्री काम केवल 15 वर्ष का है, मैं देखता हूँ कि राक्षसों की याद के साथ युद्ध करने की योग्यता इसमें नहीं है। उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना ना युद्ध योग्यता से पश्चिमी सहरा सकते, लेकिन उसके जो जो गुरु वशिष्ठ हैं जो उसका परामर्श मंडल है राजा का, वो उसे आग्रह करने पर वो उनके साथ राम को भेजते देते साथ में लक्ष्मण को भेज देते हैं। प्रसिद्ध क्या होता है कि राजा को अपने प्रिय अप्रिय आने लाभ बिना उन प्रजा के कल्याण के लिए कदम उठाना चाहिए। तो ये राजा के लिए ये संदेश महर्षि वाल्मीकि रामायण में हमें प्राप्त होता है। फिर देखिए सुंद नामक दैत्य है, उसी पत्नी का नाम है पाटका, जो रोमियों की तपोभूमि को उजाड़ती रहती है। लेकिन राम को जब विश्वामित्र आदेश देते कि आप शपथ कर दीजिए, राम एकदम से उसे मानने के लिए उत्साहित नहीं होते, कहते हैं कि ना ही ए नाम उत्सहे हंतुम स्त्री स्वभावेन रक्षिताम, कहता है ये तो स्त्री है इसकी तो रक्षा की जानी चाहिए, इसको बंद करना ठीक नहीं है। तो नारी रक्षा के लिए ऐसा संदेश भी हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है। लेकिन तुरंत विश्वामित्र पाटका के वध के लिए राम का देख लेते हुए कहते हैं कि चातुर्वर्ण के कल्याण, जो आपका चातुर्वर्ण है उसके कल्याण के लिए राजा को सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, इसके लिए कई बार अक्रूर होते हुए भी राजा को कुकर्म करने पड़ते हैं, कभी कभी तो जान बूझ कर बड़े बड़े पाप और दोषकर्म तक कर्तव्य की रक्षा के लिए करने पड़ते हैं। आपके जिसके कंधों पर राज्य भार होता है उसके लिए तो नियम सदा से चला रहा है, इसके आपको वहां डालिए धर्म का पालन करने वाली है, इसके मन में धर्म के लिए कुछ खा नहीं है, आप इसका गर्व बिल्कुल संकुच होकर कर दीजिए। तो राज्य भार धर्म सनातन धर्मयान यही धर्मो ही अस्या ना विद्यते। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर राजा के लिए आदेश है कि जो भी अधर्मी है आपके राज्य में आप उसका तुरंत वध कर दीजिए, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है। वो तो हमारे संस्कृत साहित्य का यह कभी आता कायम आयम अविचार है, बिना उसके विचार के आप कर दीजिए। अच्छा, वही नारी सम्मान की अगर बात करें, महर्षि वाल्मीकि रामायण में एक सिद्धांत आता है, तो स्त्री सम्मान को महर्षि वाल्मीकि कभी सहमी कर पाते। युद्ध कांड की एक घटना है, इसमें वानरों की सेना को अपंग रहता हुआ देखकर जो रावण का पुत्र इंद्रजीत है वो क्रोध की उसकी सीमा नहीं रहती, वो तलवार से म्यान को बाहर निकालकर एक आया की सीता वो बनाकर लाया है और उसके सिर के केश पकड़कर उसको घुसीट रहा है और सीता चिल्ला रही है और राक्षस सीता पीट रहा है। आम स्त्रियम शाम से श्याम तारयामास राम राम तो महर्षि वाल्मीकि हनुमान के माध्यम से इंद्रजीत को फटकार लगाते हुए कहते हैं, कहते अरे तेरी बुद्धि ऐसी बिगड़ी हुई है, कहाँ लग तुझे उसके पापाचारी विध्वंस अनार्य दुराचारी और पूर्व कर्म करने वाले नीच के लिए एक प्रकृति नीच पुरुषों के योग्य है, हृदय तेरे हृदय में तनिक भी दया नहीं है, किस पर ऐसा दुराचार कर रहा है। स्त्री सम्मान के लिए स्त्री के लिए इतना कोमल स्थान है उनके हृदय महर्षि वाल्मीकि के लिए।
और आज देखिए कि हमारे समाज में कई लोग तो दुष्कर्म हो रहे हैं और जो हमारे संबंध हैं संबंधों में ऐसे व्यभिचारों की स्थिति देखकर बहुत कष्ट होता है। तो महर्षि वाल्मीकि भी इस पंथ थे और जब राम ने अपने वाण से आहत किया वाली को तो राम से पूछते हैं कि किसने मारा, क्यों आपने मेरा वध किया है। उत्तर देते हुए राम को कहते हैं इस बात को सुन ले जिस कारण से मैंने तेरा वध किया है। भ्रातुर्वर्तसी भार्यायाम धर्मम सनातनम, कहता तुमने अपनी भाई की जो पत्नी है उसको स्वीकार करके तुमने सनातन धर्म का परित्याग किया है और तू उसके साथ जो दुराचार करता है ये शास्त्र विरुद्ध है और कहता कि वो तो तेरी पत्नी के समान है, तुमने धर्म कर जो प्रचार किया है इस कारण से मैंने तुमको प्राण प्रण किया है। भ्रातृ भार्याया तुमने दंडो एवं प्रतिपालित ना ही धर्म विरुद्ध दंड देने के सिवाय मुझे और कोई उपाय दिखाई नहीं देता क्योंकि तूने ऐसा लोक विरुद्ध दुष्कर्म किया है। तो आज के समाज में जो ऐसे दुराचार होते हैं ऐसे व्यभिचार होते हैं उनको उनके प्रति वाल्मीकि ने हमें महर्षि वाल्मीकि ने हमें इससे समझाया है कि भाई आप ऐसे कर्मों में प्रवृत्त ना हो। अच्छा, एक स्थान पर जो सीता है वो हमें सचेत करती है रामाराम को कि भी आपने अहिंसा क्या की ओर आपने प्रवृत्त होना है, आपने हिंसा कार्य नहीं करना। उसने बताया भी तीन प्रकार के व्यसन हैं जो काम से उत्पन्न होने वाले हैं। त्रीणी एव व्यसनानी अत्र काम जानी भवन्ति उत, मिथ्या वाक्यम तू परमम, कहता मिथ्या वाक्य झूठ बोलना कहता ये सबसे बड़ा पाप है और ऐसा व्यसन है। लेकिन तस्माद गुरु तरौ उभौ पर दारा अभिगमनम बिना वैरम च रुद्रता, एक तो झूठ बोलना तो पाप है लेकिन ऐसा व्यसन है और लेकिन इससे भी बड़े दो व्यसन है वो है कि पर दारा अभिगमनम किसी दूसरे की पत्नी के प्रति किसी दूसरे की औरत के साथ व्यभिचार करना और तीसरा है बिना वैरम च रुद्रता बिना किसी अपराध के किसी के साथ आपने हिंसा का कर्म करना उसके प्रति क्रूरता का व्यवहार करना। कहते आप यहाँ जंगल में आए हैं और यहाँ पर मेरा मानना है कि आप बिना वैर के दंडक अरण्यवासी राक्षसों का वध ना करें। कहते वो सीता एक कहानी सुनाती है राम को, कहती कि भी एक तपस्वी थे और उन्होंने उनकी तपस्या को खंडित करने के लिए उसमें बाधा उत्पन्न करने के लिए इंद्र अपना रूप बदल कर आ गए और उसको अपनी एक तलवार दे दी, इसकी आप धरोहर के रूप में रखिए और मैं ले जाऊंगा बाद में। अच्छा, वो तपस्वी मुनि उस तलवार को अपने पास रखते कभी जहां भी उन्होंने कंद मूल फल लेने वन में जाना तो उस तलवार को साथ ले जाते, मतलब हर समय उसका सानिध्य था। वो करते 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 उसके संपर्क से वो अपना तप कर्म भूल करके वो हिंसा कर्म में वो प्रवृत्त हो गए जिसके कारण उन्हें नरकगामी बनना पड़ा। वो कहते हैं कि जिस प्रकार जो ईंधन होता है ना अग्नि के संपर्क में आकर बहुत अधिक प्रज्वलित हो जाता है उसी प्रकार क्या है कि भी जब ये क्षत्रियों के पास ये वेपन्स होते हैं शस्त्र होते हैं तो उनको बल कार्यों में वो प्रवृत्त करते हैं। तो इसलिए क्षत्रियों का कर्तव्य ये बनता है कि आपको जो धनुष धारण किया है आपने उसका एकमात्र प्रयोजन है कि संकट में पड़े हुए प्राणियों की ही रक्षा करनी है, उसी के लिए शस्त्र हैं। ऐसे निरपराध वनचारियों को मारने के लिए आपको ये शस्त्र प्रदान किए हुए आप इस जंगल में, सीता कहती है राम को, कहता आप इस जंगल में आए हैं तो आपका ये नहीं है कि भी आपने यहाँ राजर्ति जहां कहीं भी आपको कोई राक्षस मिला आपने उसका वध कर दिया। जो आपके प्रति वैर की भावना नहीं रखता किसी प्रकार का कोई दुराचार नहीं करता उसको मारने के लिए आपको प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, ऐसा संदेश हमें महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण नामक कृति के माध्यम से दिया है। फिर देखिए जो आज की हमारी सोसाइटी है जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है इसमें लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है हमारे, तो इसकी प्राचीन काल से अथर्ववेद से हमें सभा और समिति नामक दो लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख हमें वेद में हमें प्राप्त होता है जिसे प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है और इन दोनों का जो कर्तव्य है वो है शासक को श्रेष्ठ परामर्श प्रदान करना और शासक का भी कर्तव्य बनता है कि वो इन दोनों का दत्तचित्त होकर के पालन पोषण करे जैसे एक पिता अपनी पुत्री का पालन पोषण करता है। तो महर्षि वाल्मीकि रामायण में हमें इस सभा और समिति दोनों का उल्लेख प्राप्त होता है जिसमें बहुत ही अधिक बुद्धिजीवी सर्वज्ञ सद्गुण संपन्न मंत्री और उपमंत्री हमें यहाँ देखने को मिलते हैं।
महर्षि वाल्मीकि के जो संसद है ना उसकी विशेषताओं पर बड़ा अच्छा जो प्रकाश महर्षि वाल्मीकि ने डाला है, जो रावण की सभासद के सदस्य हैं वो क्या है, कहते हैं कि उनके बारे में बताया गया कि उनकी सभा का कोई भी सदस्य झूठ नहीं बोलता था और ना ही वो कभी चिल्लाते थे और ना ही जोर जोर से बातें करते हैं, जो कि आज के सभासदों के लिए, आज के संसद के सभासदों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक दृष्टांत है और जो अनुकरणीय है कि और वो सभी के सभी सफल मनोरथ भयंकर पराक्रमी थे और अपने सभा अध्यक्ष की ओर ध्यान केंद्रित किए रहते थे। वो हर समय ध्यान से सुनते थे कि हमारा जो स्वामी है, सभा अध्यक्ष है, वो क्या कह रहा है। ना चुक्रुषु ना आनृतम आह कश्चिद सभासदो ना अपि जजल पुरुच्चय। तो ऐसा उनके मंत्रियों के बारे में संसद के सभासदों की विशेषताएं हमें मिलती हैं। आज क्या है, आज जो मंत्रियों की नियुक्ति है उसके पीछे किसी योग्यता का अभाव है। कोई भी व्यक्ति जो प्रसिद्धि प्राप्त है, चाहे वो किसी सीरियल का नायक है, नायिका है, कोई क्रिकेटर है, कोई भी, तो सर कोई मंत्री बनने के लिए हम उसको बना लेते हैं। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने मंत्रियों की योग्यताओं का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि वो समान शूरवीर हो, अपने समान शूरवीर हो, शास्त्रज्ञ हो, जितेंद्रिय हो, कुलीन हो, तो ऐसे गुणों से संपन्न व्यक्ति को आप सभासद बुलाइए, बनाइए और इसकी सलाह लिए बिना आप कोई कार्य ना कीजिए। हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले इन मंत्रियों का परामर्श लेना अति आवश्यक है। ऐसे दो दृष्टांत मिलते हैं। जब राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को राज्यभार सौंपना था तो इससे पहले वो अपने सभासदों के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि यदि आपको अनुकूल लगता है तो मैं अपना सहर्ष आप मुझे इस बात के लिए अनुमति दें ताकि मैं इसको अपने पुत्र को राज्यभार प्रदान करूं, या फिर आप ये बताएं कि इस अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए। और दूसरा, जब राजा रावण अपनी सीता का अपहरण करता है तो वो आकर के फिर जब उसके सामने युद्ध की परिस्थिति आती है तो वो आकर के अपने सभासदों के सामने प्रस्ताव रखता है कि अब आप मुझे ये परामर्श दीजिए कि इस अवस्था में क्या किया जाए और कैसे हम शत्रु का दमन करें। तो उस समय बड़ा अच्छा एक दृष्टांत है। कुंभकर्ण आकर के अपने भाई से कहता है, रावण से कहता है कि महाराज तुमने तो छल पूर्वक छिप कर परस्त्री हरण कार्य किया है और ये सब तुमने अत्यंत अनुचित किया है। इस पाप कर्म को करने से पहले आपने हमारे साथ अर्थात सभासदों के साथ परामर्श करना चाहिए था आपको, आपने तब क्यों नहीं किया, अब करने से क्या फायदा। जो कार्य राजा न्यायपूर्वक करता है उसकी बुद्धि अच्छी प्रकार से काम करती है और जो कर्म उचित उपाय का अवलंबन लिए बिना कर किया जाता है और लोक और शास्त्र के विपरीत होता है, तो ऐसे पाप कर्म करने वालों को हमेशा हार का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जो कार्य यह पश्चात पूर्व कार्याणी कर्माणी अभिचिकीर्षति पूर्वम च अपर कार्याणी स ना वेद नय अनयउ। तो कहता कि वो व्यक्ति हमेशा नीति और अनीति को नहीं जानता, जो पहले करने योग्य कार्य को बाद में करता है और बाद में करने वाले कार्य को पहले ही कर डालता है। तो ऐसा वृतांत है। अब भाई भाई का संबंध देखिए। भाई भाई के संबंध की चर्चा हम करें तो इसका तो संबंध हम करते हैं रामायण में भी, लक्ष्मण का और भरत का बहुत। अब इस कुंभकर्ण का देखिए। जब कुंभकर्ण को जगाया गया ना निद्रा से, तो निद्रा से उठते समय एकदम वो पूछता है, कहता मेरा भाई रावण ठीक ठाक है, आपने मुझे अनुचित समय पर जो समय उठाया है उसका क्या कारण है, मेरा भाई ठीक तो है। तो उसको जब पता लगता है कि भाई इस तरह से लंका के ऊपर इन्होंने आक्रमण कर दिया वानरों के सहित राम ने, तो रावण उसको कहता इस युद्ध का ये परिणाम हो रहा है कि हमारे राज्य में केवल बालक बचे हैं और वृद्ध बचे हैं, युवा सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, इसलिए आप उठकर आप मेरे यज्ञ इस राज्य की रक्षा कीजिए। तो वो कहता यदि शक्रो, पहले तो वो समझाता है रावण को कि भाई तूने गलत काम किया है, लेकिन अपने भ्रातृभाव का प्रदर्शन करते हुए कहता यदि शक्रो यदि यमो यदि पावक मारुतो, कहता है चाहे इंद्र, कहता राम और लक्ष्मण को छोड़ो क्या बात है, यदि इंद्र भी आ जाए, यमराज भी आ जाए, अग्नि देवता आ जाए, मरुत देवता आ जाए, तान अहम योधिष्यामी, उनके साथ में युद्ध करके उनको परास्त कर दूंगा, चाहे वो कुबेर भी आ जाए और वरुण भी आ जाए। तो इतना वो दक्षित है अपने भाई के लिए, अपने उसके भाई के लिए उसका साथ देने के लिए। तो ऐसे अनेक दृष्टांत हमें रामायण में मिलते हैं।
अच्छा, अब रामायण कहता है कि भी बिल्कुल न्यायपूर्वक आपका न्याय न्यायपालिका जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो न्याय प्रणाली का उद्देश्य समाज में दुष्टों का दमन पूर्वक दमन करना और उनके शांति स्थापना बनाए रखना होता है। तो आपकी जो न्याय प्रणाली है वो बिल्कुल उचित होनी चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हर कर्मचारियों को नियुक्त कर देते हैं उचित पदों पर, लेकिन उनके कार्य पद्धति पर हम निगरानी नहीं करते। तो उनके ऊपर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए, निगरानी रखनी चाहिए। जैसे घोड़ा होता है ना, अपने स्थान पर बंधा हुआ तो शांत दिखाई देता है, लेकिन जब वो रथ के साथ हम उसको जोड़ देते हैं तो वो बिगड़ जाता है। और अपने स्वभाव से शांत दिखाई देने वाला मनुष्य भी जब उसको कार्य में संलग्न होता है तो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी आ जाती है। जैसे हमारी जीवा है ना, उस पर चाहे अमृत रखे, मधुर मिठास रखे या विष रखे, तो उसका स्वाद थोड़ा बहुत वो उसको टेस्ट करती करती है। इस प्रकार हमें पता नहीं लगता कि भी हमारे जो अधिकारी लोग हैं कब किस कार्यों में वो धन लेते हैं, रिश्वत लेने लगते हैं। वाल्मीकि रामायण का कहना है कि चाहे हमारा धनवान है चाहे निर्धन है, किसमें विवाद हो जाए, जब वो न्यायपालिका में जाए तो उसके साथ पूर्ण न्याय होना चाहिए। न्याय अधिकारी धन के लोभ में आकर उसका किसी प्रकार से विवाद का निर्णय ना करें और कभी भी निरपराधी को किसी भी स्थिति में दंड नहीं दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल बड़ा अच्छा नियम है कि निरपराधी कभी भी दंडित ना किया जाए। तो यानी मिथ्या भी शस्तानाम पतंति अश्रूणी राघव तानी पुत्र पशुन घनंती प्रीति अर्थम अनुशासतः। तो कहता ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है जहां पर इस प्रकार से लोग न्याय प्रणाली में गलती करते हैं। तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कल्पना महर्षि वाल्मीकि ने की है। जिस राम राज्य की कल्पना हम करते हैं तो उसमें महर्षि वाल्मीकि के अनुसार ऐसा राज्य हो जिसमें समस्त नागरिक प्रसन्न चित्त रहे, अनेक देवस्थल और अनेक तीर्थ स्थल, तालाब आदि प्राकृतिक स्थल उसकी शोभा को बढ़ाएं, सामाजिक उत्सवों का आयोजन हो, खेतों में जोतने के लिए पशुधन की प्रचुरता हो, किसी प्रकार का हमें कोई पापाचार ना हो। तो ऐसी अवस्था की कल्पना महर्षि वाल्मीकि ने की है। तो इसके साथ ही मैं समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर विशाल जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपने रामायण के बहुत सारे पक्ष, वाल्मीकि रामायण के बहुत सारे पक्ष हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए हैं और बड़े व्यापक दृष्टि से आपने वो रखे हैं, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और जो प्रशासनिक पक्ष हैं वो सारे उभर कर हमारे सामने आए हैं। और मुझे लगता है कि इन सांस्कृतिक आधारों पर अगर हम अपनी 21वीं शताब्दी की समस्याओं को हल करने का प्रयास करें तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सभी के लिए सुखद भी रहेगा और सभी के लिए जो है वो एक जिसे कहते हैं कि बिना कंपटीशन के एक ऐसा समाज हम स्थापित कर सकते हैं जहाँ कहीं किसी से कुछ बढ़कर नहीं साबित करना, हमें कंपटीशन में नहीं जाना, हमें एक दूसरे का सम्मान और आदर भाव से जीना है। मुझे लगता है कि मनुष्यता के लिए जीवन जीना ज़्यादा सुखद हो सकता है, लेकिन इस पक्ष को हम सुनेंगे जब प्रेसिडेंशियल एड्रेस आएगा। तो इसी शब्दों के साथ मैं आज के दूसरे मुख्य वक्ता डॉक्टर दलवीर सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, जो कि अध्यक्ष हैं संस्कृत विभाग के, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के, और बड़े सहज और सरल स्वभाव के व्यक्ति होने के साथ साथ वो बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं। संस्कृत में कविता लिखने में उनकी महारत है और बातों को जिस सहज रूप में वो कहते हैं, ये उनके विद्वत्ता और सहजता, ये दो चीज़ें उनकी बड़ी मुझे प्रभावित हमेशा करती रही हैं। तो मैं आमंत्रित करने से पूर्व दो तीन जो प्रश्न हैं वो आप लोगों के साथ साझे करना चाहता हूँ। वाल्मीकि रामायण का जो 100वां सर्ग है, दूसरे कांड का, उसमें अगर आप देखें तो ये दो तीन प्रश्न ही आप देखिए, ज़्यादा नहीं, मैं क्योंकि समय का मुझे भी ध्यान रखना है, सॉरी। क्या आज धर्म पर तत्पर रहने वाले विद्वानों की यथावत पूजा होती है? ये वहां पर लक्षण दिए हुए हैं, लेकिन क्या शब्द मैंने अपनी ओर से लगा दिया है? क्या आज योग्य शास्त्रों को जानने वाले विद्वान, जितेंद्रिय कुशल व्यक्तियों को राज्य का अधिकारी अथवा मंत्री बनाया जाता है? क्या आज मंत्रियों द्वारा राज्य के विकास संबंधी मंत्रणाओं को गुप्त रखा जाता है?
क्या राज्य की नीतियों को लागू करने में विलंब तो नहीं किया जाता? कि वाल्मीकि रामायण के 100वें सर्ग का 19वां श्लोक आपको बता रहा है। मेरा कुछ नहीं है इसमें, मैंने तो अपनी ओर से केवल एक चार शब्द लगाया है, लेकिन अगर हम इसके आधार पर संस्कृत के लोग अगर कुछ विश्लेषण करें, अगर सर्वे करें और फिर एक विश्लेषण करके प्रस्तुत करें, तो मुझे लगता है कि आज की जो गवर्नमेंट है उसको हम बहुत कुछ ऐसा प्रस्तुत कर सकते हैं संस्कृतज्ञ, जो बहुत उपयोगी समाज के लिए भी और समाज के दिशा निर्देशों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। मैं और ज़्यादा अधिक आगे नहीं जा रहा अभी, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर दलबीर सिंह जी को, जो हेड हैं संस्कृत विभाग गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के, कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ शेयर करें। प्रोफेसर दलबीर सिंह जी, धन्यवाद जी। पहले तो सब आप सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। जी आप, श्री मेरी अकाल आवाज आ रही है जी? सर, बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ जी, तो मेरी ओर से आप सबको सत श्री अकाल दोबारा से। जी सर, और ये मैं विषय पर आ रहा हूं, रम्या रामायणी कथा। रामायणी कथा जो बहुत रम्य है, ये जब जिसने कभी संस्कृत पढ़ी भी नहीं होती है, जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, तो वो भी रामायण से परिचित हैं, क्योंकि दादी नानी से उनको रामायण की कथा सुनने को मिलती रहती है। और जहां तक बात है कि रामायण में ऐसा क्या है कि जो इतनी ये प्रचलित है, तो उसका जो कारण है, ये इसकी जो प्रसिद्धि है इतनी, वो अगर हम ये देखें तो वेदों में समाज में सुमेल लाने के लिए जो बहुत सारे जो उपाय वहां पर बल दिया गया है, तो उसी को ही आगे एक राम कथा के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि जी ने बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत करके कहानी के रूप में उसको प्रस्तुत कर दिया है। और वो अब बातें जो है वो किसी लोगों के घर पर मन पर घर कर गई हैं। अब जैसे वहां पर एक, जब हम रामायण का आरंभ ही लें, तो मां निषाद प्रतिष्ठां त्व मगम शाश्वती ही स्मा यत्क्रौंच मिथुनादेक मवधीह काम मोहितम्। अब ये देखें कि घटना, महर्षि वाल्मीकि जी बैठे हुए हैं वृक्ष के नीचे, वहां पर क्रौंच और क्रौंची आपस में प्रेम से कलोलें कर रहे हैं, और देखते ही देखते वो जो बड़ा इतना प्रसन्नता का जो दृश्य था, वो देखते ही देखते बड़े गमी में बदल जाता है, क्योंकि एकदम एक शिकारी का तीर आता है और क्रौंच उसमें से एक पक्षी जो है वो मारा जाता है। अब बात तो इतनी की है कि पक्षी मारा गया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी को ये बात इतनी, इसका इतना उनके आघात पहुंचा कि उनके मुंह से उस शिकारी के लिए बददुआएं निकल पड़ी, कि जो उन्होंने कहा कि जा तुम्हें सारी उम्र कोई चैन ना मिले, कोई कहीं आश्रय ना मिले। और ये जो एक उनकी पीड़ा थी, मन की पीड़ा, वही आगे शोक है, श्लोकत्वम भागता वाली बात है, कि श्लोक आगे बन के ये आगे इसका रूप लिया। अब बात इसमें ये है कि जो देखने वाली बात ये है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने पक्षियों का, मतलब और की तो बात छोड़िए, पक्षियों तक का भी उनमें से वियोग इनसे सहन नहीं हुआ। तो ये इससे संदेश तो कई मिलते हैं, एक तो कि ऐसे ही निरपराध किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि कहीं भी अगर कोई खुशियां आपस में खुशी से बैठे हैं, एक दूसरे, वो भी खुश है वो भी खुश है, और उनमें आप उनकी खुशियां छीन लेते हैं, तो फिर जो है वो उसकी श्लाघा तो कोई नहीं करेगा, फिर मुंह से बददुआएं ही निकलेंगी। तो ये मूल था रामायण का। और जहां तक परिवार की बात है, अब हर कोई चाहता है कि
मेरा लड़का राम जैसा हो, मेरी बहू जो है वो सीता जैसी हो। तो अब ये जो बातें जो रामायण के जो श्लोक हैं या रामायण का राम का वहां जो आचरण उन्होंने बताया कि न ही अतो धर्माचरणम किंचिदस्ति महत्तरम यथा वा पितरी शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। कि भगवान रामचंद्र जी ये स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं मेरे लिए कोई इससे बड़ा धर्मचरण कोई नहीं हो सकता कि जिस जो मैं अपने माता पिता की सेवा करूं और उनके वचनों का पालन करूं। अब यही सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा धर्म है। और यही बात होती है कि हम कोई माँ बाप चाहता है कि संतान हमारी सेवा करे, कहना माने, और आस पड़ोसी वाले भी यही चाहते हैं कि प्रशंसा तो इसी में होती है कि ये लड़का जितना भी माँ बाप की सेवा करता है तो वो प्रशंसा करते हैं कि जो बहुत अच्छा लड़का है। अब और एक कई बार हम ये समाज में देखते हैं, किसी को कहा जाता है कि ये अपने माँ बाप को तो देखता नहीं है, औरों की सेवा कर रहा है, इधर उधर जाके सेवा करता रहता है, माँ बाप घर में उनको तो पानी देने वाला कोई नहीं होता। तो इसके लिए भी स्वाधीनम समतिक्रम में मातरम पितरम गुरम अस्वाधीनम कथम दैवम प्रकारै रविराज्यते। तो रामचंद्र जी स्पष्ट कहते हैं कि जो माता पिता मेरे सामने हैं और देवता जो हैं वो तो सामने नहीं है मेरे, तो कहता है कि फिर मैं देवताओं की पूजा से पहले मैं तो अपने माता पिता की पूजा करूंगा। मतलब पूजा देवताओं की पूजा भी ठीक है लेकिन उससे पहले, क्योंकि देवता तो परोक्ष हैं लेकिन माता पिता तो सामने हैं। तो यहां पर एक तरह से माता पिता को महर्षि वाल्मीकि जी ने देवताओं से भी ऊपर दर्जा दिलाया है। तो ये यही कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो जिस किसी रचना को इतना इतना बड़ा आगे लेके चले जाती हैं, ये जब भी किसी के मन में बहुत मतलब प्रभावित करती हैं। और वो केवल अब सीता को भी वही यही कहते हैं कि एष धर्मश्च सुश्रोणी पितृ मातुः च वश्यता आज्ञां चाहं व्यतिक्रम्य नाहं जीवितम् उत्सहे। कि मैं अपनी पत्नी को, अब वो कह रहे हैं माता पिता के बारे में कि मैं देखो कि इनके ये इनकी सेवा करना तो मेरा धर्म है और मैं इनकी बिना सेवा किए तो मैं मेरा तो न जीवितम उत्सहे, तो मैं तो मतलब जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अब ये केवल खुद ही नहीं, इतना ही नहीं कहते, वो अपनी पत्नी को भी, सीता को भी प्रेरित करते हैं कि तूने भी अब मेरे माँ बाप की पूरी सेवा करनी है। वंदितव्यो दशरथ पिता मम जनेश्वर माता च मम कौशल्या वृद्धा संताप कर्षिता धर्ममेव आग्रितः कृत्वा त्वत्तः सम्मानम् अर्हति वंदितव्यास ते नित्यं याः शेषा मम मातरः। तो वो इतना ही नहीं कहते कि अपने पिता के बारे में तो कहते हैं कि वंदितव्य दशरथ पिता मम जनेश्वर कि उनकी सेवा करनी है, और माता कौशल्या की भी कहते हैं कि उनकी दोनों सेवा करनी है। और इससे भी आगे भी बड़ी बात है कि कहते हैं कि जो मेरी बाकी की माताएं हैं वो भी वंदितव्यास्त ते नित्यम, कि उनकी भी तूने सदा, नित्यम वाली बात कही है कि उनकी भी तूने, ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मेलिटी वाली बात करनी है, कि उनकी भी तूने वैसे ही सेवा करनी है। शेषा मम मात्रा है कि उन बाकी भी वो सभी मेरी माता है, उनकी भी तूने सेवा वैसे ही करनी है। अब भाई जो है, अब देखिए भाई नहीं मिलता, जब सब कहते हैं कि भाई जो है भाई भाई होता है, लेकिन हम ये तो कहने की बात है कि भाई भाई होता है, लेकिन हम फिल्मों में देखते हैं, समाज में देखते हैं, समाज में फिल्मों में तो भाई आता है जो समाज में होता है। तो भाई भाई का आपस में कितना मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से द्वेष बढ़ जाता है। तो वहां कितना अच्छा संदेश है कि देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवाः तं तु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। के हर देश में बाकी के रिश्ते तो मिल जाएंगे, पत्नी भी मिल सकती है, वहां हो सकता है कि ब्याह हो जाए, और भी यार दोस्त भी वहां मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई देश नहीं है कि जहां पर सगा भाई मिल सकता।
वाकई बात भी है कि सगा भाई कहाँ से आना है, सगा भाई तो वही है ना कि माता के पेट से अगर वो आएगा वही होगा, तो उसको कोई देश किसी और देश से वो आपको ला नहीं सकते, कहीं भी देश की बात नहीं है, कोई पैसों से नहीं ला सकते, कहीं भी नहीं ला सकते, तो भाई भाई होता है। तो ये अब ये माता की जो सेवा की हम बात कर रहे थे, देखो कैकेयी ने उनके साथ मतलब उनको उनका अधिकार ही नहीं छीना, उनके बाद उनको कितने कष्ट भी झेलने पड़े, लेकिन फिर भी ये बढ़पन इतना है कि फिर भी उन कैकेयी के प्रति वो बहुत ही सम्मान रखते हैं और भरत को वो बार बार कह रहे हैं कि तूने अपनी मतलब जरा भी मेरी ओर से मतलब हाँ मेरे दिल में कुछ नहीं है, तूने भी कैकेयी की बहुत सेवा करनी है, इज्जत जरा भी उसको ऐसे नहीं कहने देना कि उसने क्या कर दिया। मातरम रक्ष कैकेयी मा रोषम कुरुताम प्रति माया च सीताया चैव शब्दो सी रघुनंदनः। बहुत अच्छा श्लोक है ये कि मातरम रक्ष कैकेयी, कहते हैं कि तू अपनी माता कैकेयी की रक्षा करनी है, उनकी सेवा किया करो। मा रोषम कुरुताम प्रति उनके प्रति कहता है कोई अपनी दुर्भावना मन में नहीं लाना कि इसने मेरे भाई के साथ ऐसा किया, ना 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 कोई नहीं है। माया च सीताया चैव शब्द दो नीचे वाली लाइन है वो कि जैसे पंजाबी में कहते हैं मेरी सौ लगे कि सौ, वो कहता है कि तुम्हें हे भरत तुम्हें मेरी और सीता की सौ मतलब अपनी भी सौ उसको सौगंध दे दी और भाभी की भी सौगंध दे दी कि तुम्हें कि तूने हर हालत में करना है, नहीं करना तो देखो हम नाराज हो जाएंगे। तो ये बात भी यही है कि अगर किसी से कोई गलती हो भी गई है परिवार में तो क्या उस गलती को आगे सारी उम्र ढोते रहना है, नहीं नहीं उस पर मिट्टी डालो और आगे बढ़ो, कोई बात नहीं उसको भूल जाओ। बहुत फिर एक कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो किसी के साथ जो जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हो जाती हैं, लेकिन कई बार हम उसको ये कहते हैं नहीं इसके साथ ये घटना घट गई है, नहीं अब ये लायक नहीं रहा, ये वो नहीं हुआ, ये नहीं रहा। अब सीता जी कह रही है कि मुझे रावण ने जब उठाया है तो जाहिर है कि अंगों का स्पर्श हुआ है, तो ये कह रही है कि वो मेरे अंगों का ही स्पर्श कर पाया है, जो मेरा मन है वहां तक वो चाहे जितना चाहे इतना बड़ा बलवान था वो मेरे मन तक नहीं पहुंच पाया, मेरे जो अंग थे वो तो पराधीन थे क्योंकि वो ताकत जो थी उसके आगे मतलब वो विवश थी, और लेकिन मन को उसने कहा है कि मन पर मेरा ये कंट्रोल है। तो उसमें यह बात ये है कि अगर ये श्लोक है कि यद्यहं गात्र संस्पर्शम गतास्मि विवशा प्रभो कामकारो नामे तत्र दैवं तत्राप्राद्यति मदधीनं तु यत् तन्मे हृदयं त्वयि वर्तते, मदधीनं तु यत् तन्मे हृदयं त्वयि वर्तते पराधीनेषु गात्रेषु किं करिष्यामि अनीश्वरा। कि मेरा जो मेरा बस था मेरे मन पर वहां तक उसकी सुरक्षा मैंने पूरी की है, वहां तक मैंने किसी को नहीं पहुंचने दिया, वो मेरा मन आप में टिका था, आप में टिका है, आप में ही टिका रहेगा, और जो कुछ भी मतलब बाहरी स्पर्श उसने अगर कर लिया है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो यही बात होती है कि अगर किसी के साथ ऐसा मतलब उसकी अगर इच्छा के विरुद्ध अगर कुछ होता है तो उसमें हमें उसका दोष नहीं मानना चाहिए, वो जो जिसने उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर किसी को जो छेड़ा है या कुछ किया है तो वो उसका दोष है, उसका कोई दोष नहीं है, उसको पूरा ही आदर मान वैसे देना चाहिए। एक हम ये कहते हैं कि मतलब अपराध कोई करता है तो वे अपराध कैसे मतलब खत्म होना चाहिए, कैसे ये अपराध जो है किसी को पीछे लगा लेता है, अपने मजबूर कर देता है अपराध के मुझे कार्य कर। और महर्षि वाल्मीकि जी ने ये पाप के या अपराध के तीन उन्होंने स्थितियां मानी हैं, तो उन्होंने तीनों में सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ये जो पाप है ये पहले मनुष्य के मन में पैदा होता है, उसके बाद फिर वो चाहे जुबान पर आता है या शरीर से वो करने लगता है, तो पहले पाप का या अपराध का जो बीज है वो मन में
मतलब उगता है पहले। तो बात यही है कि यदि हम उसको वहां पर उगने ही ना दें, मन तक पहुंचने ही ना दें, तो आगे की बात तो फिर होगी नहीं। वो जो आगे बंदे को तो वो प्रभावित कर नहीं पाएगा, तो बंदा उसके वश में आ ही नहीं पाएगा। तो कायेन कुरुते पापम, भगवान वाल्मीकि जी लिखते हैं कि कायेन कुरुते पापम मनसा संप्रधार्यत अनृतम जिह्वया चाह त्रिविधम कर्म पातक। के मन वही के कायेन कुरुते पापम, के वो शरीर से पाप चाहे करता ही है, लेकिन पहले बीज उसका मन में बोया जाता है। तो वही बात है कि मन को ही अगर हम इतना, वही जो शिव तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु, तो ये बात ये एक एक तरह से मनोविज्ञान की बात है कि मन को इतना दृढ़ कर लीजिए कि अपराध की ओर जाने ही ना पाए। फिर इसमें अंत में मैं ये एक, जब रावण नहीं रहे तो उस समय रामचंद्र जी का बड़ा अच्छा, भगवान वाल्मीकि जी ने उनके बड़ा अच्छा मुंह से श्लोक निकलवाया है कि मरणांतानी वैराण, कि ये जो भाई अब इनके क्या किया जाए, आगे इनका संस्कार करना है, क्या करना है वो करना है। तो अब देखो क्या के वो कहते हैं कि भाई आगे अब आप जो करो भी, इनका क्रियताम अस्य संस्कार है, कि इसका संस्कार आप कीजिए इसको। अब वैर मेरा जो है था, वैर जो होते हैं ना वो वैरी तक है, जब वैरी ही नहीं रहा तो वैर कहां, प्रवैर भी समाप्त है, तो कहां तक है? ये थोड़ी है कि आगे इसको अब ये इसकी जो इसका जो शव है वो सबके लिए सम्मान का, मतलब इसको इसको सम्मानजनक तरीके से इसका आगे हमने जो संस्कार करना चाहिए। और केवल संस्कार की बात नहीं, जब ये कहते हैं कि मरणांतानी वैराणी, तो ये इससे आगे हमें ये बात चलती है कि जो वैर जो है वो आगे फिर आगे संतान तक या भाइयों तक, परिवार तक या पीढ़ियों तक, ऐसे इसको नहीं आगे ले जाना चाहिए। वो हाँ, वो जब वैरी नहीं रहा, जो जिसने वो किया था वो अब नहीं रहा है, उसके बाद फिर ये सब बातें, ये तो जितनी भी ये सब बातें जो है रामायण की, वो पहले भी सार्थक थी, आज भी सार्थक है, तो आगे भी सार्थक रहेंगी। बात होती है कि इसमें कहीं जो है इसको लेके, इसमें कवि जो था होता है वो कहानी तो लिखता ही लिखता है, लेकिन अपने साथ में बीच में अपने अपने विचार जो देता भी, देने की उसको होती है स्वतंत्रता तो होती है। तो जहां भी ये भगवान वाल्मीकि जी की बहुत अच्छी एक तरह से इन्होंने रामायण की जो रचना करके जो इतने आदर्श स्थापित किए हैं, वो आदर्श चाहे अभी डॉक्टर विशाल जी वो राजनीति वाले आदर्श वाली बात कर रहे थे, ये जो परिवारों के आदर्श हैं, समाज के आदर्श, तो कहां जहां जिस भी दृष्टि से हम रामायण को देखते हैं तो आदर्श ही आदर्श इसमें हमें मिलते हैं। और आदर्श जो है वो सब कालों में लागू होता है, उसके मूल्य जो है वो कभी कम नहीं होता है। तो इसी के साथ ही मैं अब विराम लेता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। आपने कई से आदर्शों की हमारे साथ चर्चा की है, जिसकी इस वक्त समाज में अपेक्षा भी है, और मुझे लगता है कि इस कोरोना ने हमारे व्यवहार में इस तरह का एक परिवर्तन लाया भी है, विशेष रूप से गांवों का, क्योंकि मेरे विद्यार्थी काफी लोग गांव से हैं, तो उनके परिवारों में मैंने ये देखा कि अब एक आपस का जो भाईचारा है, आपस में जो बातचीत है, संवाद है, वो बढ़ा है। एक जो आपस का सद्भाव है वो वहां पर विकसित हुआ है, जो कि पहले नहीं उस तरह से विकसित हो रहा था। तो इस कोरोना ने मुझे लगता है कि एक भूमिका रामायण की तैयार की है। अब ये संस्कृतज्ञों का और रामायण को जानने वालों का दायित्व होता है इस सारे मसले को वो जो है किस तरह से स्थापित करते हैं, किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि संविधान की दृष्टि से तो नहीं हम रामायण के इस तरह से कह सकते कि इसको हम ऐसे स्थापित कर देंगे, लेकिन एक कल्चर के रूप में, एक संस्कृति के रूप में अगर हम इस समय का सदुपयोग करें और इन ह्यूमन वैल्यूज को अगर रामायण के, वाल्मीकि रामायण के आधार पर स्थापित करें, मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया हो सकता है। और आपने इस विचार को बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका इससे कि मैं अगले वक्ता को मंच पर आमंत्रित करूं, तो
मेजर जनरल ए के शौरी जी को, मेजर एक जनरल ए के शौरी जी को, जो जिन्होंने दो पुस्तकें तो वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही लिखी हैं और उसके ऊपर उसके वाल्मीकि रामायण के आधार पर वो कार्यशालाएं भी आयोजित करते हैं। उनकी जो है डिफरेंट शेड्स ऑफ रामायण इसके ऊपर है, ज्यादा नहीं है थे सिग्नल का, और बीच में शायद किसी का माइक ऑन हो गया है, तो उनको मैं मंच पे आमंत्रित करने से पूर्व, जैसे कि मैंने पिछले वक्ता के आमंत्रित करने से पूर्व मैंने दो एक बातें की थी, वही दो एक प्रश्न मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि वाल्मीकि रामायण के स्वामी जो 32वां श्लोक है वो प्रश्न के रूप में अगर हम लें तो मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ अपनी सरकार को भी सिखा सकते हैं, अपने समाज को भी सिखा सकते हैं। तो 32वें श्लोक में क्या प्रश्न एक आता है कि क्या राज्य के कर्मचारियों तथा सैनिकों को वेतन और भत्ता समय पर प्राप्त होता है, क्या राज्य में स्त्रियां संतुष्ट तथा सुरक्षित हैं, ये 49वें श्लोक में ये बात आती है, क्या राज्य द्वारा अपने ही देश के निवासी प्रतिभाशाली और सत विवेक युक्त बात कहने वाले राजदूत को नियुक्त किया गया है, क्या राज्य में हिंसा और भय रहित वातावरण है, ये वाल्मीकि तब के कितने वर्ष बीत चुके, कितने समय बीत चुका और तब ये वो शब्द हमारे लिए प्रयोग कर रहे हैं, ये आधार दे रहे हैं। तो ये आधारों के साथ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ मेजर जनरल अमित कुमार शौरी जी को कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ साझा करें। नमस्कार आशुतोष जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल स्पष्ट है, सब कुछ क्लियर है, ऑडियो वीडियो? हाँ जी बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद आपका, आपने मेरे को एक ये मौका दिया है। आपका टॉपिक है 21st century, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं थोड़ा सा आज और आगे भविष्य की तरफ जो है उसको ले जाने की कोशिश करूं। आपने जो बात कही कि क्या सरकार अपने कर्मचारियों को समय समय पर वेतन और भत्ते देती है, जैसे ही आपने ये बात कही मुझे एकदम से याद आ गया कि वर्तमान सरकार ने कोरोना क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो फैसला, कई फैसले लिए लेकिन जो शुरू शुरू में फैसले लिए उसमें से यही था कि सरकारी कर्मचारी बंद कर दिए जाए या फ्रीज कर दिए जाए। आशु जी और बाकी सभी लोगों के साथ मैं एक दो बातें शेयर करना चाहता हूं बात करने से आगे बढ़ाने से पहले। इसी तरह से संजीव गारू जी ने एक वाल्मीकि रामायण के ऊपर एक वेबिनार में मुझे बुलाया था और मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को मेंशन किया था। बाद में मुझे लगा कि मुझे मेरी प्रेजेंटेशन में काफ़ी कमियां थी, फिर मैंने दोबारा से थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण को पढ़ने की कोशिश की और उसके बाद जो मेरे मन में बातें आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड आई विल ट्राई टू टेक ऑल ऑफ यू पीपल टू द फ्यूचर, क्योंकि हमारा विषय यही है कि हमने 21वीं शताब्दी में भविष्य में किस तरफ को जा रहा है वाल्मीकि रामायण को फॉलो करते हुए। अगर आप भारतीय संविधान को देखें तो इसको मैं जब पढ़ा और वाल्मीकि रामायण को थोड़ा सा जानने की कोशिश की, मुझे तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लगी। प्रीएम्बल, जिसका पहला वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, वो हैं संविधान और इस देश के निर्माता। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 74(1) में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे फॉर्म की जाएगी उसके बारे में मेंशन किया गया है और वो सवाल जो है आशुतोष जी ने जो यहाँ सामने रखे हैं उसमें भी मेंशन है। तीसरा, कि एक प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर का सिलेक्शन कैसे होता है। और चौथा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 38 से लेकर 50 तक जो दिए गए हैं वो क्या है। तो ये कुछ एक प्रोविजंस को मैंने जब स्टडी किया और वाल्मीकि रामायण को रेफर किया तो मेरे मन में जो विचार आए वो आप सब लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाते वक्त उस वक्त जो कमेटी बनी थी उसमें बड़े बड़े विद्वान थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जब भी हम किताब पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस की या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की,
हमें ये सुनने को मिलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजंस लिए गए हैं, स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट का एक अपॉइंटमेंट हो, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स हो, मॉन्टेस्क्यू ने जो थ्योरी लेकर आया था लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का सेपरेट रोल, ये सारी चीजों के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने ये आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने इन फॉरेन कंट्रीज के प्रोविजंस को ज्यादा स्टडी किया। मेरे मन में एक सवाल आता है, हमने अपने प्रोविजंस को स्टडी क्यों नहीं किया? जिन 4000 सालों से अपने स्क्रिप्चर्स को हम पूज रहे थे, उन स्क्रिप्चर्स में ये जो प्रोविजंस दिए गए थे उनको हमने स्टडी करके इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? ये मेरे मन में एक सवाल आया। खैर, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, जैसा कि मैंने बताया कि प्रीएम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात कर रही है, राजा रामचंद्र जी का सिलेक्शन कह लिए या अपॉइंटमेंट कह लीजिए या एक फाइनल डिसीजन राजा दशरथ कैसे लेते हैं कि इनका उत्तराधिकारी श्री रामचंद्र ही होने चाहिए? वैसे तो परंपरा चली आ रही थी कि जो सबसे बड़ा पुत्र है वो राजा बनेगा, वो उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन अगर आप वाल्मीकि रामायण में देखें वो सबसे पहले एक जनसभा आयोजन करते हैं, वो लोगों के व्यूज और कमेंट्स और सजेशंस लेने की कोशिश करते हैं, और उससे भी बड़ी बात, वापस आने के बाद, शादी होकर वापस आने के बाद काफी देर तक राजा रामचंद्र दशरथ के असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो वो ये व्यू पॉइंट लोगों के सामने रखते हैं कि ये मेरा बड़ा पुत्र, इसका लेवल ऑफ नॉलेज ये है, इसको ये इसकी एजुकेशन इस तरह की हो चुकी है, अस्त्र शस्त्र में ज्ञान ऐसा है, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम मेरी निगरानी में इतनी देर से कर रहा है, इसकी परफॉर्मेंस आपने देखी है, आप फैसला करो मैं क्या करूं। लोगों की मीटिंग के बाद वो अपने इंटरनल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करते कि अब आप मेरे को फीडबैक दो, और इसके बाद वो अपने आसपास के अड़ोसी पड़ोसी देशों के राजाओं के व्यूज लेते हैं कि क्या ये मेरा डिसीजन ठीक रहेगा। कुछ घटनाएं जो बाद में होती मैं उनके ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी और महान एग्जाम्पल श्री रामचंद्र जी को अपना उत्तराधिकारी चुनने का फैसला लेने का जो प्रोसेस था वो वाल्मीकि रामायण में दिया गया। चलिए, हो गया, राजा की सिलेक्शन हो गई। अब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखें कि एक एमएलए और एमपी किस बेसिस पर चुना जाएगा, परसेंटेज ऑफ वोट्स मेजोरिटी मिलेगी तो वो चुन लिया जाएगा, ठीक है, लेकिन क्राइटेरिया क्या होगा, या दूसरे शब्दों में उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, उसकी उम्र इतनी होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और एक दो और क्वालिफिकेशंस लगाई हुई हैं। ये जो डॉक्टर आशुतोष जी ने हमारे सामने जो प्रश्न रखे थे, इन्हीं प्रश्नों को जब भरत श्री रामचंद्र जी के साथ विचार कर रहे हैं और श्री रामचंद्र जी उनके सामने प्रश्न कर रहे हैं, वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस, जिसमें से एक पोर्शन आता है कि एक राजा को अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे चुननी चाहिए। ये कोई तमाशा हो रहा है कि आज जो है मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं, कल मैं फाइनेंस मिनिस्टर है, परसों मैं एजुकेशन मिनिस्टर है, एम आई द मास्टर ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट दैट आई कैन हैंडल एनी सब्जेक्ट ऑन एनी डे? तो हम बात क्या कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की? रामायण हमारे सामने है, जिसको हम सदियों से पूजते आए हैं, मानते आए हैं, दिवाली और दशहरा मनाते आ रहे हैं, लेकिन उसमें जो लिखी हुई चीज है उसको फॉलो करते हम कहते हैं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। ये बहुत एक अफसोस की बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में हमने अपने ही स्क्रिप्चर्स में दी हुई चीजों को, गाइडलाइंस को, डायरेक्शंस को साइड में डाल दिया, ये कहते हो कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ अगरबत्ती दिखाने के लिए। एनी हो, मैं थोड़े से प्रश्न भी उठा रहा हूँ, छटपटाहट भी दिखा रहा हूँ, अब क्या करूँ, फौजी आदमी हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि एक सिंसेरिटी और डेडिकेशन के साथ काम करना जो है वो हमें सिखाया गया। अब आप जरा राम राज्य की बात कर लेते हैं। अब मैं आपको 21वीं सदी की तरफ भी लेकर जाऊंगा। मेरा मकसद जो है वेबिनार के थ्रू अब ये है कि जो हुआ सो हुआ, भाई आगे क्या करना है, मैं उसकी तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस की बात होती है। एक चीफ मिनिस्टर को सुशासन बाबू डिक्लेयर कर दिया जाता है,
और फिर हम कहते हैं कि कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, भाई प्रिंसिपल्स तो कोई नहीं फॉलो करने, किसी तरह से आपको सरकार चलानी है। अगर हमारा मकसद सरकार चलाना ही है तो फिर प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस रामायणा में जो बताए गए हैं, जिसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर श्री राम और भरत का है, वो किस लिए है फिर? वो क्या हमारा मकसद जो है वो वाल्मीकि रामायणा या रामायणा के करेक्टर्स के लिए मंदिर बनाने तक ही सीमित होकर रह गया है? क्या सिर्फ हम जो है एक टोकन की तरह दशहरा में जाकर तीर मारकर जलते हुए रावण को देखकर कहते हैं कि मैंने वाल्मीकि रामायणा के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अपने देश में इंप्लीमेंट कर दिया? ये सारी चीजें आप लोगों के सामने खुली किताब की तरह है। मैं ये नहीं बताने जा रहा कि उसमें क्या लिखा, उस चैप्टर में क्या लिखा, मैं कुछ प्रपोजल्स लेकर आया हूँ आज आप सब लोगों के साथ। आप बड़े बड़े विद्वान हैं, आप यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में इतने साल का आपका एक्सपीरियंस है, आप लोगों का इंट्रेक्शन लेवल बहुत हाई है, तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि जैसा कि आशुतोष जी ने कहा था कि कोरोना ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि अपना ये जो एंशिएंट थॉट विच इज नथिंग बट फुल ऑफ विजडम, उसमें से जो टनों पड़ी हुई मिट्टी है उसको हम हटाएं और उसमें से जो छुपी हुई जो है विजडम है और बाकी सारी चीजें हैं उसको उबार कर सामने रखें। हम ये टीवी सीरियल, एक सेकंड जरा मेरे बैटरी लो हो गई, मैं स्विच ऑन कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, ये जो टीवी सीरियल में जो करामात और चमत्कार दिखाए गए हैं उनसे बाहर निकले। हम अपने आप को क्यों कुएं के मेंढक की तरह बनाकर रखा हुआ है? तो अगर हमने जो है अपने स्क्रिप्चर्स को सच में फॉलो करना है और उनको समाज में प्लेस दिलवानी है जिसके लिए वो बनाए गए थे, आई हैव कम आउट टुडे विद कपल ऑफ प्रपोजल्स एंड द सजेशन। वो आप सभी लर्नर लोगों के लिए है कि आप जो है अगर ठीक लगे तो देखिए कि इसके ऊपर क्या कुछ काम किया जा सकता है। इससे पहले कि मैं कुछ पॉइंट्स कहूं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा संजीव जी का। संजीव जी, आप ये इतना अच्छा काम कर रहे हो ये वेबिनार कंडक्ट करने का, इस वेबिनार के जरिए रामायणा की छुपी हुई चीजें जो लोगों के सामने आ रही हैं, ये एक ऐसा स्टेप है जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप इस स्टेप से दूसरे तीसरे और चौथे स्टेप की तरफ चलिए। आपके वेबिनार्स का जो स्कोप है उसको इतना हम बढ़ाना शुरू करते हैं कि जो हम चाहते हैं वो ग्राउंड में इंप्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, द टाइम हैज कम व्हेन वी शुड स्टार्ट कंडक्टिंग ट्रेनिंग सेशंस ऑन गुड गवर्नेंस फॉर द लीडर्स। विच लीडर? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पंचायत लेवल। भाई, ये जो पंचायतों के लीडर हैं, ये पार्टी पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स में कब तक उलझे रहेंगे, कब तक फंसे रहेंगे? लेट्स स्टार्ट एजुकेटिंग द सो कॉल्ड लीडर्स हु हैव द और पीपल हु हैव द पोटेंशियल टू बिकम लीडर्स अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस एज एक्सप्लेन्ड इन वाल्मीकि रामायण। एक वेबिनार में मैंने एक एग्जांपल दी थी, हो सकता कुछ लोगों ने वो अटेंड किया हो, अभी इसमें भी हो, अगर नहीं है तो मैं एक बात जो है शेयर करता हूँ। हिप्पा, हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे को कभी कभी बुलाया करता था जब मैं सर्विस में था एज चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हिमाचल, तो वहां पर तहसीलदार और बीडीओ, सॉरी तहसीलदार और पटवारी जो नए नए भर्ती होते हैं डायरेक्ट, उनके ट्रेनिंग सेशन पर मुझे बुलाया गया। मैंने उनको जाकर प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस एज पर रामायणा के ऊपर जो है एक प्रेजेंटेशन दी, और उसके बाद जब टी ब्रेक हुई तो मैंने उनसे पूछा, हाँ जी बताइए आपका वर्बल फीडबैक क्या है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी अदर इनपुट्स, बट अभी चाय पीते आप मेरे को बता दीजिए। तो बोले, सर आप बात बहुत अच्छी कर रहे हो, बहुत बढ़िया बता रहे हो, पर आप ना जो भी कह रहे हो ना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो आई आस्क्ड वन क्वेश्चन, कि आप क्या चाहते थे मेरे से कि मैं आकर आपको बताऊं कि एक तहसीलदार और पटवारी को कैसे रिश्वत लेनी चाहिए, रिश्वत लेने के कौन कौन से ऐसे सेफ एंड सिक्योर तरीके हैं, या ऐसे कौन से नए हथकंडे अपनाने चाहिए जिससे वो लोगों को और ज्यादा जो है हैरास कर सके। यू आर एक्सपेक्टिंग दिस थिंग फ्रॉम मी? इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दिस थिंग, तो उसके लिए मेरे को बुलाने की क्या जरूरत थी? ये तो आप अपने आप ही 6 महीने के अंदर सीख जाते हैं। तो हम क्या होता है कि कभी कभी अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए आर्गुमेंट्स का सहारा लेकर किनारा कर लेते हैं। तो ये मैंने ऐसे ही एक एग्जांपल मेरे मन में आया तो मैंने दी। तो मैं ये कहना चाहता था संजीव जी और आशुतोष जी
मेरी पहली सजेशन है कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस है इनको मॉडर्न में कैसे फिट करना है। मैं मानता हूं कि एज इट इज जो है उनको हम नहीं एप्लीकेबल कर पाएंगे, लेकिन उनको स्लाइटली मॉडिफाई करके एक एक एनवायरनमेंट तो क्रिएट करना शुरू करें कि दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस एज पर वाल्मीकि रामायण एंड हाउ दीज कैन बी फॉलोड एंड सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड इन द प्रेजेंट डे एनवायरनमेंट। This should be that the role of all the people and taking the Valmiki Ramayana into 21st century. Number one. Number two. ये जो हम वेबिनार कर रहे हैं, ये गुड गवर्नेंस के ऊपर कह लीजिए या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन कह लीजिए या और बहुत सारी इसमें जो है जो फुल ऑफ विजडम और सारी बातें हैं, इसके लिए मेरा सेकेंड सजेशन ये है कि हम ये जो वेबिनार ओब्लीग सेमिनार और ग्रुप डिस्कशन इनको अब हम स्कूलों तक ले जाए। इसको हम आपस में 20 लोग जो है जो अभी देखिए मैं माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा साफ बात करता हूं, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स है 40 के करीब, काफी लोग जो है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के प्रोफेसर हैं और इनमें से बहुत सारी चीजों का हम सबको मालूम है। हमें एक दूसरे को बताने की बजाय हमें दूसरे लोगों को बताने की जरूरत है जिनको इन चीजों के बारे में नहीं पता। और व्हाट आई सजेस्ट इज द टाइम हैज कम व्हेन वी शुड अटैक द स्कूल स्टूडेंट्स ताकि उनको एक मॉरलिटी के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में, अपनी फिलॉसफी के बारे में और उसमें वो सारी चीजों के बारे में हम एक एक्सपोजर दे सके। तीसरा चीज ट्रेनिंग सेशन, हमें समय आ गया है कि इनके हम छोटे छोटे ट्रेनिंग सेशन और कैप्सूल्स ऑडियो और वीडियो बनाकर स्टार्ट करें। अगर ये सारे काम करेंगे तो मैं आप एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि मैं रामायणा में क्या क्या लिखा है उसके बारे में बताने जा रहा हूं, सॉरी मैं टॉपिक आपका है कि 21वीं शताब्दी में वाल्मीकि रामायणा को कैसे रेलेवेंट करना है। उसको रेलेवेंट करने के लिए कुछ एक मेरे मन में जो टॉपिक है, ए प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस इसको उठाया जाए, बी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड वाल्मीकि रामायणा, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमें जो लगता है कि जो डिस्टॉर्टेड हो चुके हैं जिनको हमने पॉलिटिकल गेंस की वजह से अमेंडमेंट कर करके सत्यानाश कर दिया गया है उसको फिर वापस लाया जाए ताकि जो सो कॉल्ड राम राज्य है जो हमारे सिर्फ पॉलिटिकल स्पीचेस पे रह गया है उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हम कुछ स्टेप लें। हम कामयाब नहीं होंगे मुझे मालूम है, लेकिन हम शुरुआत तो करें, हो सकता है कामयाब भी हो जाए। लेकिन अगर हम कामयाब नहीं भी हुए, एक जो अवेकनिंग का लेवल है वो हमें जनरेशंस में डालना पड़ेगा। ये कुछ एक सेमिनार वेबिनार से हम आपस में तो नॉलेज शेयर करेंगे, लेकिन जो आने वाली जो यंगर जनरेशन है उनमें एक कॉन्शियसनेस लेकर आना, एक अवेकनेस अवेकनिंग लेकर आना, उसके लिए हमें शायद 2 साल 5 साल 10 साल लगे, लेकिन वो हमें करना ही पड़ेगा। लेक्चर्स की बात हो गई, वेबिनार तो हम कर ही रहे हैं, सेमिनार्स की बात हो गई, इसके अलावा ट्रेनिंग सेशंस की बात हो गई, ये सारी चीजों और सबसे बड़ी बात जो कभी कभी मैं और आशुतोष जी बात भी करते रहते हैं, हमने भी स्कूलों में देखा है कि जब स्कूल में जाते थे तो सबसे पहले प्रेयर में गायत्री मंत्र का उच्चारण 3 बार किया जाता था। हमारे सारे ही स्कूलों के सिलेबस में जो मॉरेलिटी है वो मॉरेलिटी नाम की चीज बिल्कुल से खत्म कर दी गई है, उसको रिवाइव करने की जरूरत है। पर अंत में मैं सिर्फ एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके लिए हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन के हिसाब से ना चलें, हम उसको एक धार्मिक एंगल ना दें। हमारा मकसद यही होना चाहिए कि इनकी फिलॉसफी और विजडम जो छुपी पड़ी है उसको उबार कर जनमानस के सामने लेकर आए। तो 21वीं शताब्दी में वाल्मीकि रामायण को रेलेवेंट बनाने के लिए कुछ एक टॉपिक्स हैं जैसा कि मैंने मेंशन किया, उन टॉपिक्स के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमें सेमिनार्स और ट्रेनिंग सेशंस और कैप्सूल्स रन करने की जरूरत है, जिसके लिए मेरे सजेशन यह है संजीव जी कि आप कुछ इसके ऊपर एक छोटा सा मिनी ग्रुप बनाइए, ग्रुप बनाकर जो है अलग अलग डायरेक्शंस पर काम हो ताकि वाल्मीकि रामायण के प्रिंसिपल्स जो है वो जनमानस तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेजर जनरल ए के शौरी जी, बहुत ही सटीक और बड़ी ही बेहतरीन बातें आपने हमारे साथ साझी की हैं और 21वीं शताब्दी की समस्याओं की ओर और उसमें कैसे रामायण की चेतना को स्थापित किया जाए, प्रतिष्ठित किया जाए, इस बारे में जो आपके सुझाव हैं वो वाकई प्रशंसा के योग्य हैं और बड़ी स्पष्टता से आपने चीज़ों को हमारे सामने लाया है, हमें हमारा चेहरा भी दिखाया है कि
कि हम लोगों को जितना करना चाहिए और जो करना चाहिए वो उतना ना कर पा रहे हैं, और वैसा भी नहीं कर पा रहे जैसा अपेक्षित है। ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि संस्कृतज्ञों की दोहरी जिम्मेदारी है। दोहरी जिम्मेदारी से मेरा मतलब है कि अपना शास्त्र ज्ञान भी हो और हमें अपने आसपास के जो अन्य विषय हैं या हमारा समाज में जो घटित हो रहा है, विश्व में घटित हो रहा है, उसके बारे में भी भरपूर जानकारी हो और हम अपने शास्त्रों के आधार पर उनको चुनौती दें। ये बिल्कुल सही बात है कि इस वक्त एक पूरा एक व्यवस्था हमारे पास है, समय है कि जहाँ पर हम संस्कृत को, संस्कृत का मतलब कोई भाषा सिर्फ नहीं है ना, वो लिटरेचर है, एक ऐसी सोच, सुलझी हुई सोच, सुलझी हुई संस्कृति जो है उसको पुनः स्थापित करें। लेकिन उसके लिए कौन बिल्ली के घंटे में गले में घंटी बांधेगा, ये एक प्रश्न है। मेरी ये इच्छा थी कि ये जो प्रश्न मैंने आप लोगों के साथ साझे किए हैं कि मैं इनको क्वेश्चनर में डाल करके आप लोगों के साथ शेयर करता, आप इसके यस नो और जो भी उत्तर दे देते, लेकिन बस वो मेहनत ज़्यादा हो जाती इसलिए मैं उससे बच गया। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को अगर इसी तरह से संस्कृत के साहित्य में निकाल निकाल करके इस तरह की बातों को हम प्रश्नों में ले लें और उनके सर्वे करके अगर हम प्रस्तुत करें तो निश्चित रूप से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आशीर्वचन देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर लेखराम शर्मा जी को कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और मैं उनसे आशीर्वचन चाहूँगा और उसके बाद फिर हम प्रेसिडेंशियल एड्रेस की ओर चलेंगे। सर प्रोफेसर लेखराम शर्मा जी सर, धन्यवाद डॉक्टर अंगिरस जी, बहुत ही अच्छी चर्चा चली हुई है, तो कहने को कुछ पता नहीं, सब पक्ष उठा लिए हैं। आदरणीय डॉक्टर दलवीर सिंह जी ने बड़ा अच्छा, विशाल जी ने, और मेजर जनरल जी के बारे में तो मैं एक ही लाइन बोलूंगा कि शस्त्रे शास्त्रे च कौशलम, के बहुत अधिकार है शस्त्र और शास्त्र में। तो रामायण के विषय में बहुत से पक्ष हैं, और मेजर जनरल जो आपने गुड गवर्नेंस की बात की है, इस पर तो एक इंडिपेंडेंट सेमिनार होना चाहिए कि आज के शासन को दिशा कैसे मिले। तो बहुत से पक्ष उठा, मैं कहता हूं जो दशरथ के मंत्री हैं, दशरथ के जो सचिव हैं, उनके नाम देखिए, वो नाम नहीं वो गुण है कि हमारा सचिव और हमारा मंत्री कैसा हो। देखिए वो कहता है कि धृष्टि जयंतो वो धृति है, धैर्यशाली है, जयंत है, विजयशील है, सुराष्ट्र है, आगे ले जाने वाला है, अकोप है, गुस्से नहीं करता है, गेट आउट नहीं बोलता है, अकोप है, धर्म करने वाला है, मंत्री का नाम है उनके मंत्र, तो है मंत्र जो आज आपको अच्छे रह दे, ये व्यक्तिवाचक हो, ये उनका वैशिष्ट है और उनके गुण है। सचिवों के बारे में देखिए कैसे कहता है कि कुशल हारिशु, उनकी क्वालिटी की है कि वो व्यवहार में सौहृदय सुप्र आपत्कालम कोई कोई रिश्वत नहीं, कोई लिहाज नहीं, समय आने पर वो जो अगुण तो वो उसको जो दंड बनता है वो उसको दे, ऐसे सुशासन ऐसे समाज की हमारी परिकल्पना होती है, तो उसमें क्या बात है। अच्छा आज एक डॉक्टर साहब आप सौवें अध्याय की बात करें जो देकांड के की, तो पहले तो मैंने सोचा था मैं उसमें बात करूंगा, तो उसमें आपने पक्ष ले लिए और उसमें देखिए कि वो सारी गवर्नेंस उसमें आ गई है, आपने भी देना है, उसमें क्या कहता है वो, देखिए महर्षि का ध्यान कहाँ गया है, अचित्य दैता सर्वे कि आप तो ठीक है किसान नहीं, और वो आप पशुपालक है क्यों, आप दूध दे रहा है, आपको दे रहा है उसमें तो ट्रांसपोर्टेशन है, और कहता है और क्या गया महर्षि जी के रामायण की कितनी आवश्यकता, कहता आयस से भी बोला कच्छ, कहीं आपके शासन में ऐसा तो नहीं हो रहा है आमदन तो राज को और हो गया और आप उसमें खर्च कम कर रहे हैं उसका चाहिए, और क्या कोश राघव और सब
सर आपकी आवाज मुझे लगता है कि जी काम हो जी वो तो ये एक वो नर की बात कर रहा है कि अगर एक नर मरता है तो उसके पीछे इतना उसमें वो नुकसान होता है। तो बहुत सारे अच्छे पक्ष हैं डॉक्टर साहब, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सुशासन में एक ऐसी और परिचर्चा हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन विद्वानों से मिलाया और अभी हमने भाषण भी सुनना है। और आपके लिए तो आंग्रेज जी मैं एक श्लोक बोलता हूँ और वो मैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आई मेरी? हाँ अब आई है। पिछली आवाज नहीं आई? कोई नहीं 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 पीछे आई थी, बीच में अभी चली गई थी। तो आप अपना वाक्य वक्तव्य पूरा कर दें तो हम प्रेसिडेंशियल एड्रेस की ओर चलेंगे। जी ये कहाँ से टूटी थी? यहीं से। अच्छा चलो, मैं कुछ कहने लगे थे आप में। ये सचिव और मंत्रियों वाला हो गया। हाँ जी, मेरे बारे राजा के सचिव कैसे? हाँ बस हाँ, आपके बारे में कह रहा हूँ कि मैं अभिधा वृत्ति में बोल रहा हूँ कि विदधत ईदृशमेव सदा सखे सुखितामा स्वतः शरदय शतम सुखितामा स्वतः शरदय शतम। आप बहुत अच्छा धन्यवाद। अच्छा ये मुझे मालूम नहीं था। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और संजीव घारू जी की ओर से भी कि ये बात यहीं समाप्त नहीं होने वाली है। हम छोटे छोटे ही प्रयास करेंगे। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है कि मैं बहुत बड़े प्रयास करके कोई दुनिया बदल दूं, ऐसा कुछ नहीं सोचता। लेकिन मेरा बस एक है जो संस्कृत की कल्चर से मैंने सीखा और आंगिरस होने के नाते भी ये बात मैं कह रहा हूँ कि अग्निपुत्र होने की वजह से ना सो सकते हैं ना सोने दूंगा अपने आसपास के लोगों को। निश्चित रूप से इतना जगाना यही तो संस्कार है। ये सारे सेमिनार्स करना ये कोई सर्टिफिकेट्स के लिए थोड़ी है सर, ये तो सिर्फ ये है कि हम जागते रहें। हम जलते हैं, हमारे ऊपर जो राख आने लगती है उसको फूंक मार के उड़ाने के लिए ये सेमिनार होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। और अभी मैं समाप्ति से पूर्व दो एक सूचनाएं भी आप लोगों के साथ साझी करूंगा, लेकिन उससे पूर्व हमारे साथ आज के अध्यक्षीय भाषण के लिए डॉक्टर राम अवतार जी जो चेयरमैन हैं रामायण सर्किट के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म MHRD के अधीन, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी अध्यक्षीय टिप्पणी अध्यक्षीय भाषण जो है हमारे साथ साझा करें। उसके लिए मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। डॉक्टर राम अवतार जी। धन्यवाद आशुतोष जी। सर स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह की ये हमारी सभा हो रही है और हम अच्छे अच्छे विद्वानों के विचार सुन रहे हैं। मुझे आदेश हुआ है धारू जी का कि जो विद्वानों ने कहा संक्षेप में उसको दोहराऊं और फिर मैं संक्षेप में अपनी बात भी कहूं। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी सर बिल्कुल स्पष्ट है। सर वीडियो ऑन करवा लीजिए। श्री विशाल भारद्वाज जी, डॉक्टर दलबीर सिंह सर, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। है जी वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो नहीं आपका आ रहा? वीडियो आ रहा नहीं, अब आया? नहीं अभी तो नहीं आया, या तो कोई सिग्नल्स की प्रॉब्लम है। लेकिन आप अपना वक्तव्य जारी रखिए तो मुझे लगता है आ जाएगा। मेरे फोन पे आ रहा है ये जी, फिर वो सिग्नल्स का ही होगा। अरे सुनो भाई, जरा बुलाओ जल्दी उसको। सुनो कोई बात नहीं, ऑडियो
ऑडियो ही चलेगा, आप अपना वक्त जारी रखें। जी सर, वीडियो के लिए सिर्फ मैं इसलिए थोड़ा सा कहता हूँ जो वक्ता हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स लेकर के मैं उनको सबको भेज देता हूँ कि उसमें वक्ता जो है उसका चेहरा आ जाता है। अच्छा, ये जी सर, कोई नहीं सर, आप वक्तव्य जारी रखें। बंधुओं, श्री विशाल भारद्वाज जी ने जो कुछ हमें बताया वो विशेष रूप से रामायण के चरित्रों के बारे में बताया, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि परिस्थिति के अनुसार राजा को कठोर निर्णय भी लेने होते हैं, जैसा कि उन्होंने एक स्त्री का वध किया ताटका का। सीता जी ने श्री राम को जो कथा सुनाई रामायण की, जिसमें उन्होंने बताया कि पुरुष में तीन दोष विशेष रूप से होते हैं, उनमें एक दोष होता है बिना वैर के किसी के प्रति इस तरह की भावना रखना कि उनका वध करना है, और उन्होंने एक तलवार की कहानी सुनाई जो बहुत ही प्रेरक रही, सभासदों का व्यवहार कैसा होना चाहिए और रामराज्य कैसा हो, ये श्री विशाल भारद्वाज जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। प्रोफेसर बलबीर सिंह जी ने जिस तरह से भगवान वाल्मीकि जी के संवेदनशीलता पर जो बात बताई क्रौंच पक्षी की, वो सबके लिए बहुत प्रेरणादायक है। और एक उन्होंने क्षमा भाव बताया, एक केकई के इतना कुछ करने के बाद भी उन्होंने के मन में क्षमा भाव था, ये एक बहुत बड़ी बात राम जी के चरित्र की उजागर होती है। इसी तरह से माता पिता और देवता में कौन आगे रहे, मेरा फोटो वहां नहीं जा रहा, माता पिता और देवता में किसको पहले माना जाए, तो ये बात भी महत्वपूर्ण है कि किस तरह से हम पहले इस सदी में 21वीं सदी में रामायण को आदर्श माने, तो किस तरह से हम लोग माता पिता का सम्मान करके रामराज्य की ओर बढ़ सकते हैं। जनरल सोरी साहब, आपने बताया कि मैं फौजी हूँ, जनरल साहब आपकी वाणी से ही प्रकट हो रहा था कि आप फौजी हैं, और फौजी तो सदा अनुशासित ही रहता है। ये बात संक्षेप में मैंने आप सबकी बताई। आपने रामराज्य के बारे में 21वीं सदी में, और रामराज्य केवल बातों से नहीं आएगा, केवल भाषणों से नहीं आएगा, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा, उसके आपने अनेक उदाहरण दिए जनरल साहब, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी बात रखता हूँ रामराज्य के बारे में। प्राय बात उठती है कि पहले राम राज्य कैसा था और अब हम कैसे हैं। बंधुओं, अपने अपने काल के अनुसार सारे कार्यक्रम होते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यथा राजा तथा प्रजा, लेकिन प्रजातंत्र में तो यथा प्रजा तथा राजा ये उल्टा हो गया है। हम जैसे अपना अधिकारी, अपना सांसद, अपना विधायक, अपना सरपंच चुनते हैं, वैसा ही हम अपना राजा पाते हैं। इसलिए रामराज स्थापित करने के लिए केवल राजा नहीं, प्रजा को आगे आना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक बार इसी तरह चर्चा हो रही थी कि कैसे रामराज और राम में क्या, तो हमारे एक संत ने कहा, मैं राम की पूजा नहीं करता, मैं तो उस प्रजा की पूजा करना चाहता हूं जिसने राम जैसा राजा दिया। बंधुओं, सचमुच प्रजा पूज्य है, और प्रजा ही राम बनाती है, और प्रजा ही रावण बनाती है। इसलिए सबसे पहले तो हमें आगे आना पड़ेगा कि किस तरह से हम राम जैसा राजा यहाँ स्थापित कर सकें। रामायण 21वीं सदी में इसका क्या संदर्भ है? बंधुओं, रामायण तो आदि ग्रंथ है, और रामायण तो अनंत ग्रंथ है। इसमें जो कुछ बताया गया है उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। इसलिए ना केवल 20वीं सदी, ना 21वीं सदी, ना 22वीं सदी,
ये तो जब तक मानव जीवन चलता रहेगा, ये सृष्टि का क्रम चलता रहेगा, तब तक रामायण हमारे लिए बहुत काम की और हमारे जीवन को ठीक रास्ते पर चलाने वाला हमारा एक मार्गदर्शक ग्रंथ रहेगा। एक महत्वपूर्ण बात है कि हम रामायण को कैसे लें। बहुत सारे लोग रामायण का अध्ययन करके केवल स्वर्ग की सीढ़ी तक जाना चाहते हैं, लेकिन बंधुओं मेरा कहना ये है कि जब तक आवाज आ रही मेरी, हेलो स्पष्ट है सर आपकी आवाज बिल्कुल, हाँ जी आ रही बिल्कुल बिल्कुल साफ। जब तक हम राम को रामायण को केवल ग्रंथ मानते रहेंगे स्वर्ग की सीढ़ी का, तब तक हमारे लिए उचित नहीं है और हमारा काम ठीक से नहीं चलेगा। हम दो बातें हैं, राम को माने या राम की माने। अब एक ऐसा प्रश्न चल गया है कि राम नाम की माला लेकर तो बैठते हैं लेकिन राम ने जो कुछ कहा वो हम करते नहीं। सीधी सी बात है, राम को मानना महत्वपूर्ण है लेकिन राम की मानना उससे भी महत्वपूर्ण है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि समाज में इस तरह की बातें चल पड़ी हैं। आप देखिए सत्संग में राम कथा में कितनी भीड़ होती है, लेकिन बाहर आते ही हम सब भूल जाते हैं, अर्थात हम राम को तो मानते हैं किंतु राम की नहीं मानते। बंधुओं ये तो हो गई अब तक की चर्चा। मुझे बताया गया, कहा गया कि ये जो भगवान राम की यात्राओं पर भी मैं अपने कुछ विचार रखूं। रामायण का अध्ययन करने पर पता चला है कि श्री राम ने अपने जीवन काल में चार यात्राएं की हैं। पहली यात्रा जब वो विद्यार्थी थे तो गुरु वशिष्ठ ने उनको देश काल और परिस्थितियों की जानकारी देने के लिए विद्यार्थी के रूप में उनको यात्राएं करवाई। दूसरी यात्रा उन्होंने की विश्वामित्र मुनि के साथ, जब उन्होंने यज्ञ की रक्षा करी, ताड़खा को सुबाहु मारीच को मारा और वो जनकपुर जाकर उनका विवाह हुआ। तीसरी यात्रा उनकी वनवास की है, जब वो 14 वर्ष तक दंडक वन में उन्होंने भ्रमण किया। और चौथी यात्रा राम राज्य की है, जब उन्होंने अपने राज्य को और पूरे विश्व को किस तरह से उसमें मानवता की संस्कृति प्रधान पूर्वक रहे, किस तरह धर्म की स्थापना हो, किस तरह उनके राज्य में सुशासन हो, इसके लिए उन्होंने अनेक यात्राएं की हैं। इस तरह उन्होंने चार यात्राएं की हैं। अभी तक जो शोध हुआ है उसमें अयोध्या जी से जनकपुर तक और अयोध्या जी से रामेश्वरम तक कुल 290 स्थलों का पता चला है। ये 290 स्थल, जैसे आदरणीय दारू जी ने बताया कि इससे प्रकाशन भी हुआ है, वो सारी चीजें उसमें आ रही हैं। ये स्थल 290 स्थल हमारी भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है जो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। हम मानते हैं कि इन सब जितने भी हमारे ये तीर्थ यात्रा स्थल हैं, जो राम जी के यात्रा स्थल हैं, इनसे इस तरह की ऊर्जा निकलती है जो मानव समाज को और सभी को वहां जाने वालों का कल्याण करती है और उनको सदमार्ग पर लाती है। किंतु यदि ये बंद हो गए तो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारी भावी पीढ़ी इनसे कोई लाभ नहीं ले सकेगी और वो धीरे धीरे फिर जो संस्कार मिलने हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है भावी पीढ़ी के लिए, हमारा परम कर्तव्य है कि हम उन स्थलों को सुरक्षित करें। इसके लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। 290 स्थलों पर भगवान श्री राम के यात्रा स्थलों पर उनके चरण चिन्ह लगा दिए गए हैं, सब जगह मानचित्र लगा दिए गए हैं। अब एक योजना है कि इन स्थलों को सुरक्षित करने के लिए इन पर शिलालेख लगाए जाएं, इनका प्रचार करने के लिए एक धारावाहिक आता है जेह जेह चरण पड़े रघुवर के, आस्था चैनल पर रविवार रात्रि 10 बजे आता है। यद्यपि वो समाप्ति पर है तो भी जो बंधु
भाव रूप से इन सब स्थलों का दर्शन करना चाहते हैं वो लोग इसमें यूट्यूब के माध्यम से उनका दर्शन कर सकते हैं। अनेक योजनाएं हैं। अब देखिए, हमने छोटे छोटे लोगों का संग्रहालय बना दिया, लेकिन रोम रोम में रमे राम का संग्रहालय हम नहीं बना सके, ये हमारे लिए लज्जा की बात है। इसी तरह से अनेक योजनाओं से हम जन जागृति करें और उन सब स्थलों को पुनर्जीवित करने के लिए, ताकि ये 290 स्थल भारतीय संस्कृति की एक धरोहर के रूप में, एक संस्कार केंद्र के रूप में विकसित हो सके। एक बात महत्वपूर्ण, मेरे राम, हम सबके राम, जहां गए उसी तरह आज पूजे जाते हैं। मैं आपको केवल एक जनकपुर का उदाहरण देकर समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात पूर्ण करूंगा। बंधुओं, जब मैं शोध करते हुए जनकपुर पहुंचा तो मुझे वहां धर्मशाला में ठहरने नहीं दिया गया, क्योंकि मैं कच्छा बनियान और अंगोछे में रहता था, तो लोग समझते थे कहीं किसी का सामान उठा के नहीं भग जाए। जब ये बात वहां के महंत को पता चली तो उन्होंने मुझे बुलाया और अतिथि की तरह रखा। इसके बाद दो दिन बाद जब मैं चलने लगा वहां से, तो मैंने उन संत को प्रणाम करना चाहा। उन्होंने पूछा कोई तकलीफ तो नहीं, मैंने कहा नहीं। उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, मैंने खा लिया। तब तक मैं किसी संत की दी हुई कोई चीज स्वीकार नहीं करता था, क्योंकि मैं ग्रस्त हूँ, भगवान ने मुझे दाल रोटी ठीक दे रखी है, तो मैं संतों का नहीं लेना चाहता था। फिर उन्होंने वस्त्र दिया तो मैंने वो भी मजबूरी में लिया कि कहीं ये मेरा भेद नहीं खुल जाए कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उस समय मैं गुप्त रूप से रहता था। अंत में उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया जिसमें, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, आ रही है, आ रही है। हेलो, आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल स्पष्ट है। अंत में उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया, मैं समझा इसमें एक फोटो होगा, और मैंने देखा तो 100 रुपए का नेपाली नोट था। मैंने कहा बाबा, आप जैसा मुझे समझते हैं मैं वैसा नहीं हूँ, मैं आपके पैसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं भारत सरकार में ठीक तनख्वाह मेरी मिल रही है, मैं ग्रस्त हूँ, मुझे सब परिवार घर सब कुछ है, इसलिए मैं संतों का नहीं लेता। बाबा ने पूछा, राम को क्या मानते हो? राम हमारे पिता हैं, सीता हमारी माँ है। तो उन्होंने छाती ठोककर कहा, सीता मेरी बेटी है, तुम नाना के घर आए हो, क्या खाली हाथ जाओगे? बंधुओं, ऐसे हैं मेरे राम। वो जहाँ जिस देश में जिस परिवेश में गए, आज भी उनका वैसे ही वहां पूजन होता है। राम घट घट में है, राम प्रत्येक अणु परमाणु में है, और वाल्मीकि जी ने उनका ग्रंथ लिखकर जन जन तक पहुंचाया, और महर्षि वाल्मीकि जी ने जो ग्रंथ लिखा उसके बाद रामायण पे जो ग्रंथ लिखे गए वो एक तरह से उनकी अनुकृति ही है। लेकिन सच पूछें तो मूल और सबसे प्रमाणिक ग्रंथ तो वाल्मीकि जी का ही है। 21वीं सदी में ये ग्रंथ हमें सदमार्ग पर चलना सिखाए, यही हमारी सबकी कामना है। अंत में मैं संजीव जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने पहल करके इस कार्यक्रम को चलाया, और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी वो ऐसे ही चलाते रहेंगे। डॉक्टर आंगिरस ने जिस तरह से इसका संचालन किया, मैं बहुत प्रभावित हुआ आपके संचालन से, और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। आपने मेरा फोटो नहीं आ रहा था सर? आपकी वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन आवाज स्पष्ट थी, बीच में एक दो आई है, लेकिन वीडियो नहीं आ पाया, कहीं आपके सिग्नल्स की प्रॉब्लम है बैंडविड्थ की। लेकिन वक्तव्य हमारे पास पूरा आ गया है और हमने रिकॉर्ड भी कर लिया है, वो आपके साथ हम जल्दी ही साझा कर लेंगे। आपने जो तीनों पक्ष हमारे कवर किए हैं उसके लिए मैं विशेष रूप से आभारी हूँ आपका, कि आपने तीनों हमारे चारों वक्ताओं के वक्तव्य के ऊपर भी टिप्पणी की, आपने रामायण की भी बात की,
और साथ ही साथ आपने जो यात्राएं की हैं ये हमारी जानकारी में नहीं थी, कम से कम मेरी जानकारी में नहीं थी बिल्कुल भी, और मैं समझता हूँ कि इससे आपने हमारा जो ज्ञान वर्धन किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और मैं आशा करता हूँ कि भारत सरकार या साधु संत मिलके इन जो राम की यात्राओं के स्थल हैं उनको अवश्य उचित रूप से चिन्हित किया जाएगा, ताकि भविष्य में जो भी जनरेशन है, हमारी पीढ़ियां हैं, वो वहाँ की यात्रा करके उस अनुभव को ग्रहण कर सकें। इससे पूर्व कि मैं ये सभा हम विसर्जित करें, मैं संजीव घारू जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए, लेकिन उससे पूर्व मैं आप लोगों को दो सूचनाएं देना चाहता हूँ और सूचनाओं के साथ सहयोग भी चाहता हूँ। एक तो कल की सूचना है, कल का विषय, कल 11 बजे का हमने वेबिनार रखा हुआ है और वो है हिप्नोसिस के ऊपर। हिप्नोसिस का मतलब है सम्मोहन विद्या, जो भारतीय परंपरा में रही है लेकिन उसका प्रैक्टिकली जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पूर्व जन्मों के वृत्तांतों को, उसके ऊपर हमने कल एक चर्चा रखी हुई है, बातचीत रखी हुई है। तो आप लोगों से आग्रह है कि ऐसे विचित्र से विषय को जानने के लिए आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़ें। दूसरा एक विचार जिसके लिए मुझे आपके सहयोग की नितांत अपेक्षा है, मैं चाहता हूं कि अगले हफ्ते में कोरोना के बाद जो उत्पन्न स्थितियां हैं उनमें संस्कृतज्ञों का क्या रोल हो, क्या भूमिका हो, उस पर मैं एक चर्चा रखना चाहता हूं, जिसमें कोई भाषण ना हो, संक्षेप में 2 मिनट में 3 मिनट में आप लोग अपनी अपनी बात रखें। वो मैंने अभी प्लान नहीं किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम उसे चाहे 2 सेशंस में करें, 2 दिन में करें, और ये निश्चित करें कि हमारी भूमिका संस्कृतज्ञों की क्या भूमिका होगी। संस्कृत की बात बिल्कुल नहीं मैं कर रहा, संस्कृत की तो निश्चित भूमिका है, लेकिन संस्कृतज्ञों की भूमिका क्या हो, वो क्या दायित्व वर्ण करें और किस प्रकार से वर्ण करें, ये मैं चर्चा जरूर करना चाहता हूँ। तो उसका लिंक और उसके बारे में सूचना मैं संडे को डालूंगा, तो अगर आप लोग जुड़े हैं और उसमें सहयोग दें, कोई भी हो, किसी भी संस्कृतज्ञ हो या संस्कृत का कोई मित्र हो, वो उसके साथ जुड़े और सहयोग करें उस विचार को परिपक्व करने में। तो इन्हीं 2 सूचनाओं के साथ, हाँ तीसरी सूचना है कि इसमें लिंक मैंने डाल दिया है, न्यूज जी ने भी डाल दिया है लिंक, आप लोग उस फॉर्म को भर दीजिए और आपका सर्टिफिकेट आप लोगों को मिल जाएगा ईमेल पे, और ईमेल को सावधानी से भरिएगा, क्योंकि ईमेल पिछली बार भी 7-8 लोगों ने गलत भरी और फिर उसके बाद बड़ी दिक्कत आती है वो सर्टिफिकेट भेजने में। तो सभा विसर्जित करने से पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संजीव घारू जी को कि वो सभी वक्ताओं का, सभी श्रोताओं का धन्यवाद करें, और विशेष रूप से प्रेम जी अग्रवाल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अम्बाला सिटी से, जो कि रामायण इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं, और वो ये केवल एक कार्य कर रहे हैं कि दुनिया भर में जितनी भी भाषाओं की रामायण हैं उनका वो संग्रह कर रहे हैं अम्बाला सिटी में। मैं उनका स्वागत भी करता हूँ, मैंने बहुत बाद में देखा उनका नाम, और उनका स्वागत भी है, उनके प्रति मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आगे के सभी सेमिनार्स में वो हमारे साथ जुड़े। संजीव घारू जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और उसके बाद फिर हम सभा विसर्जित करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अगर कोई क्वेश्चन आप लेना चाहें तो ले लीजिए, धन्यवाद। मुझे ये वैसे संभावना कम है क्योंकि विषय इतना स्पष्ट रहा है जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं आज के इस वेबिनार में हमारे जो वक्ता रहे डॉक्टर विशाल भारद्वाज जी, डॉक्टर दलबीर जी, मेजर ए के शौरी जी, इन सभी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और विशेष रूप से डॉक्टर लेखराम जी का जो कि उनका आशीर्वचन हमें प्राप्त हुआ, उनका वैचारिक मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ, और उनका आशीर्वाद और ऐसा वैचारिक मार्गदर्शन भविष्य में भी हमें मिलता रहे तो हमारी यह यात्रा बहुत सफल होगी। और आज जिस प्रकार से शास्त्र और शस्त्र का जो मिलन हुआ इस वेबिनार में, वो ऐसा लग रहा था कि यज्ञशाला से उठ के हम रामायण के युद्ध स्थल में पहुंच गए हैं जब मेजर साहब बोल रहे थे, तो ये संगम बहुत अच्छा है, आवश्यकता भी है 21वीं शताब्दी में।
और जिस प्रकार से डॉक्टर दलबीर जी ने कहा था कि पहला श्लोक वाल्मीकि जी के जो मुख से निकला वो करुणा से पूर्ण था, अगर वो एक पक्षी की मृत्यु पर इतने विचलित हो सकते हैं तो आप सोचिए कि आज इसको अगर हम कोविड के साथ जोड़कर देखें, कोविड-19 के साथ, तो एक के पीछे की रणनीति या योजना क्या है किसी देश की, उस पर हम नहीं जाते, लेकिन पूरे मानवता को खतरे में लेकर आ जाना ये अपने आप में इसी निर्मम नरसंहार से कम नहीं है इस प्रकार की चीज़ें। और भाईचारे को अगर हम लॉकडाउन के तौर पर देखें, भाईचारा और लॉकडाउन जैसे हुआ, और बहुत अच्छा वेबिनार गया, बहुत वैचारिक मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। मैं बहुत अधिक आभार प्रकट करता हूँ डॉक्टर राम अवतार जी का, उन्होंने अपना कीमती समय में से हमें जो समय निकाल कर अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए, सरकार के अंग हैं वो, और ये जो वेबिनार जमीनी स्तर पर, या जिस प्रकार से डॉक्टर आशुतोष जी ने कहा कि ये जो धूल आ जाती है उसको हटाने का काम ये करते हैं, तो हमारी ये जो बातें हैं या जो हमारी चीज़ें निकल कर आती हैं, सुशासन की बात हमने करी और चीज़ें, तो मैं आशा करता हूँ डॉक्टर राम अवतार जी अपने माध्यम से ऊपर तक इन बातों को पहुँचाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार का क्रियान्वयन राम राज्य को लेकर चले तो ज़रूर हमारी बात वहाँ तक पहुँचे। मैं तो धन्यवाद और ज्ञापित करूंगा विशेष रूप से प्रेम अग्रवाल जी का, हमारे बहुत ही अच्छे सहयोगी हैं, रामायण भवन की स्थापना करके इन्होंने बहुत बड़ी एक परियोजना को शुरू किया है जिसमें रामायण को विश्व ग्रंथ बनाना एक बहुत बड़ा काम है, और मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मैं प्रेम अग्रवाल जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ इस कार्य में। और धन्यवाद ज्ञापित करूँगा मैं स्वामी शिवम हंस जी का, जो संत हैं, वो अक्सर जब भी किसी भी प्रकार से वाल्मीकि रामायण या राम जी से संबंधित जितने भी वेबिनार होते हैं तो हमारे आग्रह पे वो जुड़ते हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और तमाम प्रतिभागियों का महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद की तरफ से, SD कॉलेज अम्बाला कैंट की ओर से, और हमारे जो सहयोगी संगठन है जिनके संयुक्त तत्वाधान में ये वेबिनार हो रहा है, उन सब की तरफ से मैं संजीव घारू आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब धन्यवाद, आशुतोष जी धन्यवाद, संजीव जी एक बार पुनः कल की सूचना के साथ कि कल का विषय जो रहेगा 11 बजे विषय रहेगा, और विषय हमारा है कि सम्मोहन विद्या जो है उसका विज्ञान क्या है और उसके हमारी परंपरा में उसका स्वरूप क्या रहा है, उसके ऊपर एक लेक्चर रहेगा, एक ही लेक्चर है लेकिन उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स होंगे, क्योंकि वो विषय अपने आप में कुछ ऐसा है हिप्नोसिस का जो बड़ा विचलित करने वाला है, तो जो जो लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों के उन्होंने किस तरह के अनुभव किए हैं, किस तरह का उनका विज्ञान है और हमारी परंपरा में क्या रहा है, उन दोनों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे कल 11 बजे। तो आप सभी कल के लिए आमंत्रित हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी वक्ताओं का, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार, हृदय से मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ, और संस्कृत तज्ञ जो हैं वो अपने दायित्व को अनुभव करते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी इस सभा का विसर्जन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का। आप लोग अब मीटिंग छोड़ सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, यूट्यूब पर भी ये अवेलेबल हो जाएगी लगभग 1 घंटे के बाद।